बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पास आज एक नया पेपर है, फरवरी मार्च 2024 का पेपर है और पेपर है बेटा आपका 3-2। सही है। तो बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में जरा देखें। अदा एंड ब्रायन के नाम से, अदा एंड ब्रायन हैव बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बेटा इक्वल पार्टनर्स है, दे हैड कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल। कितना कैपिटल लगाया बेटा वही नहीं बता रहा है, लेकिन वो कह रहा है ये बता रहा हूँ कि दोनों ने कैपिटल क्या लगाया है, इक्वल लगाया। फर्स्ट जनवरी बेटा जो कि स्टार्ट ऑफ द ईयर है, देखिए क्या कह रहा है। अदा का ओवरड्रॉन करंट अकाउंट बैलेंस था 3900। ओवरड्रॉन करंट अकाउंट बैलेंस था, इसका मतलब ओवरड्रॉन का मतलब बेटा ये रेगुलर बैलेंस नहीं था, ये डेबिट बैलेंस था। सही है ना, करंट अकाउंट है ना जी, करंट अकाउंट। तो आपको पता है बेटा करंट अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट, और अगर ओवरड्रॉन बैलेंस है तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस। और ब्रायन का जो ओवरड्रॉन बैलेंस था वो था ट्वाइस दैट ऑफ अदा, इसका मतलब बेटा अगर अदा का 3900 है तो ब्रायन का 3900 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, कितना हो गया 7800। एक्स लिमिटेड वाज फॉर्मड ऑन दैट डेट टू अक्वायर अदा एंड ब्रायन्स पार्टनरशिप बिजनेस। एक्स बिजनेस कौन है बेटा, एक्स बिजनेस इन्होंने खुद एक कंपनी बनाई है, और एक्स बिजनेस ऐसा नहीं है कि कोई जो है एक्स लिमिटेड कोई बाहर वाली कंपनी है वो इनके बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, बल्कि इन्होंने खुद एक कंपनी बनाई है एक्स लिमिटेड, और उसके थ्रू इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको क्या कर दिया, टेक ओवर कर लिया। ऐसा ही है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हो रहा है बेसिकली यहाँ पे ना। कह रहा है बेटा एक्स लिमिटेड हमने फॉर्म कर ली, और टर्म्स ऑफ द एक्विजिशन क्या है कि परचेज कंसीडरेशन क्या होगा 360,000। इसका मतलब इनकी अपनी कंपनी जो इन्होंने खुद बनाई है वो इन्हीं के बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी, कितने पैसों में, $360,000 में। और आगे कह रहा है वुड बी सेटल्ड बाय $1 ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड एट पार वैल्यू टू द पार्टनर्स इक्वली। इसका मतलब $360,000 में 1.80 दोनों को क्या किए जाएंगे, शेयर्स इशू किए जाएंगे। ऐसा ही है ना, 1.80 1.80। आगे कह रहा है ईच पार्टनर आल्सो अग्री टू सब्सक्राइब 20,000 फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज फॉर एडिशनल शेयर्स एट पार। सही है, इसका मतलब बेटा जो दोनों पार्टनर है वो 1.80 1.80 को उनको शेयर मिल गए, वो इसके अलावा है। तो एक बार जब कंपनी बन जाएगी तो 20,000 के और शेयर कंपनी इशू करेगी पार्टनर्स को, तो फिर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ऐसा ही है ना। कह रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटी सारी टेक ओवर कर ली एक्स लिमिटेड ने आफ्टर द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन। इसका मतलब बेटा जो पार्टनरशिप है उसकी बुक्स में भी वैल्यू ये है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने कंपनी बनाई तो उस वक्त मार्केट वैल्यू ली है सारे एसेट्स की। सही है, तो हमने मार्केट वैल्यू लेनी है एसेट्स की, और लाइबिलिटी को कोई चेंज नहीं। अदा एंड ब्रायन डायरेक्टर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है जब दो ही लोग हैं और डायरेक्टर है, तो बेटा डेटा तो यही है। अब इसका क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मांगी हुई है, रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर शोइंग द एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑन 1 जनवरी द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अदा एंड ब्रायन। तो बेटा रिक्वायरमेंट क्या है, हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं दोनों पार्टनर्स के, क्या बनाने भाई, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और शो द फाइनल एडजस्टमेंट टू और फ्रॉम ईच पार्टनर। तो हमें बताना है भाई कि दोनों पार्टनर्स से क्या एडजस्टमेंट फाइनली होगी। तो बेटा अब हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। सही है, अब देखते हैं बेटा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो दो पार्टनर है बेटा अदा और ब्रायन। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस बीडी आता है कैपिटल अकाउंट का। अब अगर आप देखो सवाल में यहाँ पे इसने वैसे तो हमें वो नहीं बताया, कैपिटल अकाउंट नहीं बताया ना, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे इसने हमें हिंट दे दिया, नहीं हिंट जो दिया है वो सिर्फ करंट अकाउंट का दिया है, और सिर्फ ये बताया दोनों ने इक्वल कैपिटल लगा। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात शुरू में इसने बाउंसर डाल दी कि कैपिटल कैसे निकालोगे दोनों बीडी। सही है ना, हाँ बैलेंस बीडी कैसे आएगा, ये थोड़ी सी मुश्किल बात भाई। देखें अब इसके अंदर हिंट ये है कि एक चीज होती है कैपिटल अकाउंट, और एक चीज होती है करंट अकाउंट। सही, और तीसरी चीज होती है इसमें नेट असेट्स। क्या चीज होती है, नेट असेट। नेट असेट्स क्या होता है बेटा, नेट असेट्स दूसरा नाम होता है वैसे कैपिटल का, तो हम कहते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट असेट्स, या एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो हम कहते हैं नेट असेट्स और कैपिटल एक ही चीज होती है, लेकिन ये एक ही चीज कब होती है, जब सोल ट्रेडर हो। तो सोल ट्रेडर में एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होता है या नेट असेट होता है, लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ जो एसेट माइनस लाइबिलिटी नेट असेट्स होता है, नेट असेट्स में सिर्फ कैपिटल नहीं होता, नेट असेट्स में यहाँ करंट अकाउंट भी होता है, क्योंकि बेटा यहाँ जो कैपिटल होता है या जो नेट असेट्स होता है पार्टनरशिप में वो रिप्रेजेंटेड होता है कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। तो नेट असेट्स में बेटा यहाँ पे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी में सिर्फ कैपिटल नहीं होता, करंट अकाउंट भी होता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो नेट असेट होता है क्या वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, नहीं, कंपनी में कैपिटल एंड रिजर्व्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, इक्विटी एंड रिजर्व्स। तो बेटा जो नेट असेट्स होते हैं कंपनी के उसमें इक्विटी भी होती है और रिजर्व्स भी होते हैं।
तो बेटा अगर मैं यहाँ पे वो टेक्निक यूज करूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ नेट असेट्स की, और अगर मुझे नेट असेट्स मैं निकाल लूँ किसी तरीके से, और नेट असेट्स में से अगर मैं करंट अकाउंट माइनस करता हूँ तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। अब मैंने बेटा बुक वैल्यू निकालनी है नेट असेट्स की, क्योंकि कैपिटल की भी बुक वैल्यू चाहिए ना, सही है। तो जिस वक्त हम पार्टनर थे तो उस वक्त हमारी बुक वैल्यू थी या उस वक्त हमारे पास मार्केट वैल्यूज थी, बताओ। जिस वक्त हम पार्टनर थे बेटा उस वक्त हमारे पास क्या चीज हाँ, होगी, बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू होगी। तो अब हम बेटा बुक वैल्यू निकाल लेते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी की। कैसे निकलेगी ठीक बेटा है सर। बुक वैल्यू, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो अब देखते हैं बेटा इस सवाल में एसेट्स कौन कौन से, एक तो इक्विपमेंट है कितने का, 230 का, और क्या बेटा हमारे पास इन्वेंट्री है कितना, 52,000, और क्या चीज है ट्रेड रिसीवेबल, 72,000, और क्या चीज है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 18,300, और ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है कितनी, 64,000। एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस की नेट एसेट वैल्यू आ गई। तो बेटा ये जो नेट एसेट आए इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों शामिल है, और अगर इसमें से करंट अकाउंट्स माइनस कर दूं तो क्या कैपिटल आ जाएगा। करंट अकाउंट के बारे में इसने क्या बताया, उसने बोला है अदा का करंट अकाउंट जो है वो भी माइनस में ओवरड्राफ्ट, और नहीं वो उसका है, हाँ अदा का, और जो ब्रायन है वो उसका डबल है, तो 3,900 एक का है और दूसरे का कितना है, 78। तो दोनों का मिला के टोटल करंट अकाउंट आ जाएगा, नहीं टोटल करंट अकाउंट आ गया 11,700। आप देखो माइनस भाई देखो, अब सीन ऐसा होता है कि नॉर्मली तो हमें ये करना होता है कि नेट एसेट्स में से करंट अकाउंट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सही है। अगर नेट एसेट में से करंट अकाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, लेकिन मसला ये बेटा ये जो हमने माइनस करना है, ये जो माइनस करना है ये करंट अकाउंट पहले से माइनस है, ऐसा ये नहीं है, बताओ भाई। ये हमने बुक वैल्यू में से करंट अकाउंट माइनस करने है तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, तो अगर ये ऑलरेडी फिगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये अब हमारे पास आ गया कैपिटल अकाउंट। अब जरा समझे, गेम समझे भाई, देखो मैं ये समझा रहा हूँ आपको, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों ऐड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, वो नेट असेट्स आना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये जो 320 है इसमें अगर मैं क्या करूं, ऐड करूंगा, नेगेटिव करूंगा मतलब माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा बुक वैल्यू, क्योंकि अगर बेटा मैं उसको प्लस करता तो फिर मेरा आंसर डिफरेंट आता, सही है। तो इसका मतलब बेटा ये जो नेट असेट्स है ये कैपिटल और करंट अकाउंट को मिलाकर आएगी, क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट जो है वो नॉर्मल होता है, अगर करंट अकाउंट भी क्रेडिट होता है तो क्रेडिट क्रेडिट तो दोनों प्लस हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब फिर तो ये 3,31,731,700 हो जाता, ऐसे ही है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको प्लस किया मैंने। तो ये समझ में आया बेटा 320 कैपिटल कैसा है, और कैपिटल दोनों ने इक्वल लगाया तो ये जो 320 है इनको दोनों में डिवाइड कर देंगे तो क्या हाफ हाफ आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ ले, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके आपकी क्यूरी ले लेता हूँ। उसके बाद बेटा जब हमने बिजनेस को बंद कर दिया, एटलीस्ट पार्टनरशिप को तो बंद ही कर दिया ना, तो पार्टनरशिप का जो करंट अकाउंट है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, और चूंकि डेबिट बैलेंस से ओवरड्रॉन है तो दोनों के बैलेंस कहाँ आ जाएंगे, डेबिट पे। और आपको पता है बेटा जब हम बिजनेस को बंद करते हैं तो इसमें हमें निकालना होता है गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन, याद है। तो इसका गेन या लॉस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है आप बनाए रियलाइजेशन अकाउंट जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैसे बनता है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे बनता है कि हमने यहाँ पे बैलेंस शीट को खाली करना है। तो अगर आप देखो भाई बैलेंस शीट में क्या क्या है, बुक वैल्यू दी हुई है इक्विपमेंट की, क्या एंट्री बनाएंगे, इक्विपमेंट क्रेडिट और रियलाइजेशन डेबिट, और कौन सा एसेट पड़ा हुआ है बेटा यहाँ पे, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इन्वेंट्री क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट, एक एक करके सारे एसेट्स को कहाँ लिखते जाएंगे, डेबिट साइड पे लिखते जाएंगे। और क्या चीज है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल 72,000, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट, और क्या चीज है भाई हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18,300। अच्छा अब नॉर्मली तो हम बैंक नहीं लेते, याद है जी सर, राइट, लेकिन यहाँ पे हम बैंक भी लेंगे, क्यों, उसकी वजह ये है कि क्या हमने अपना बिजनेस किसी गैर को बेचा है, नहीं हम खुद एक कंपनी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई जब हमें खुद कंपनी बनानी है, और इसने यहाँ बोला भी नहीं विद द एक्सेप्शन ऑफ बैंक, तो इसका मतलब हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं हम बैंक बैलेंस को भी क्या करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि अगर बैंक हम बैलेंस नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, सही है। तो यहाँ पे बेटा कैश और बैंक भी आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो डेबिट पे, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो क्रेडिट पे। तो बेटा अगर सारे एसेट्स डेबिट पे आ गए तो लाइबिलिटी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट पे आ जाएगी, सही। अब बेटा अगर हम नॉर्मली बिजनेस बेचते तो बैंक अलग अलग एंट्रीज आती, इक्विपमेंट इतने में बेचा बैंक आता, इन्वेंट्री इतने में बेची, अब यहाँ पे हमने पूरा बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर दिया कंपनी को जो कि हमने खुद बनाई, तो हम यहाँ एक साथ लिख देंगे परचेज कंसिडरेशन, और यहाँ ब्रैकेट में नाम भी लिखना पड़ेगा किस कंपनी को हमने बिजनेस अपना बेचा है।
अब हम देखते हैं बेटा गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आप देखें बड़ी साइड अगर आ रही है यहाँ पे क्रेडिट तो गेन, ऑब्वियस सी बात है जब ये खुद कंपनी बना रहे हैं तो ये लॉस वाले टर्म्स पे तो नहीं बनाएंगे, इतने तो बेवकूफ नहीं है, सही है। तो अब ये जो है वो बड़ी साइड अगर क्रेडिट आ रही है तो गेन आ रहा है, तो ये जो नेट गेन आ गया बेटा ये आ गया 51,700। ये जो नेट गेन आ रहा है बेटा ये दोनों का डिफरेंस निकाला हमने और ये जो गेन है दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। क्या ये इक्वल पार्टनर है? दोनों इक्वल पार्टनर है। तो बेटा 51,700 का गेन है, इक्वली डिवाइड कर दें तो ए के हाथ में आया 25,850 गेन और बी के हाथ में आया 25,850 सेम है। तो बेटा ये जो गेन है अब हम कैसे पता चला, जो बड़ी साइड है अगर क्रेडिट तो गेन है, अगर बड़ी साइड डेबिट होती तो लॉस। और ऐसे भी देख सकते हैं बेटा अगर रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। रियलाइजेशन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, बेटा कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, दोनों का कैपिटल इतने से बढ़ गया। अच्छा अब इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को छोड़ा, इसके बदले इनको मिला क्या? इसके बदले कंपनी इनको शेयर्स देगी, ऐसे ही ना, कंपनी जो इनको शेयर्स देगी बोला 360 शेयर्स देगी और एक शेयर $1 का है तो 360 शेयर्स हो गए और $360,000 हो गया और इक्वली डिवाइड करेंगे तो 180 शेयर्स आएंगे एक के हिस्से में, सही है। और अगर आप देखो भाई के अब ये सही है, अब देखते हैं भाई इसने एक सवाल में बोला था कि ये बताओ कि अब कौन पार्टनर किसको कितने पैसे देगा, ऐसा ही है ना। तो अगर आप देखो जो पार्टनर ए है उसका जो कैपिटल बन रहा है बिजनेस में शेयर बन रहा है 185,850, कैसे उसका कैपिटल है 160 और हमने उसको गेन भी देना है तो टोटल उसको कितने पैसे देने हैं 185,850, जिसमें से वो कितने पैसे ऑलरेडी ले जा चुका है, समझ लो शेयर ले जा चुका है और बाकी करंट अकाउंट उसका नेगेटिव है, तो उसने कम पैसे लिए हैं और उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, इसका मतलब बाकी पैसे उसको मिलने चाहिए। तो नॉर्मली तो ये पैसे उसको अकाउंटेंट पे करेगा, कहां से? बिजनेस में से, ऐसा ही है ना। लेकिन मुझे बताओ क्या पार्टनरशिप में कोई बैंक अकाउंट बचा या इन्होंने पूरा बैंक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया कंपनी को? तो अब ये जो पैसे है ये आपस में लेन देन करेंगे, सही है। तो अब अगर आधा को पैसे लेने तो आधा किससे लेगा भाई? दूसरे पार्टनर से लेगा और दूसरा पार्टनर कौन है इसका? सही, ब्रायन। तो अब हम एंट्री बनाएंगे भाई अदा का कैपिटल डेबिट और ब्रायन जो है वो एक तरीके ब्रायन से हमें जो है वो पैसे लेने हैं, ऐसा ही है ना, या ब्रायन को पैसे देने हैं, क्या होगा? अदा को पैसे मिलेंगे ब्रायन से, सही। तो ब्रायन हमें पे करेगा कितना? 1950। तो ऐसे ही भाई ब्रायन को देख लेते हैं, ब्रायन का जो बिजनेस में शेयर था वो था कम, दोनों का शेयर तो सेम था ना, इसका भी शेयर है 185,850 और इसका भी इतना है, लेकिन अगर आप देखो ब्रायन जो है वो शेयर्स तो उसने भी इतने ही लिए लेकिन उसका अकाउंट ज्यादा माइनस में था, इसका मतलब ये है कि अब वो पैसे देगा अदा को, ऐसा ही है ना, कितने पैसे देगा? 1950, सही। तो एक बंदे को पैसे मिल रहे हैं और अगली पार्टी पैसे दे रही, तो ये एक नई चीज आ गई यहाँ पे। क्यों नई चीज आ गई? नॉर्मली तो हम यहाँ बैंक लिख देते हैं क्योंकि सारी सेटलमेंट पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पे मसला ये हुआ है कि पार्टनरशिप ने अपने पास कुछ बैंक बैलेंस रखा ही नहीं ना, उन्होंने तो पूरा किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। तो अब ये जो लेन देन करेंगे पार्टनर्स आपस में करेंगे, और यहाँ पे इसने इसका एंड भी दिया हुआ था, अगर आप पढ़े क्वेश्चन में वो, अगर आप देखो रिक्वायरमेंट में भी दे रहा था, शो द फाइनल सेटलमेंट टू और फ्रॉम ईच पार्टनर, सही है ना, बैंक के बजाय सेटलमेंट किसके थ्रू हो रही है? पार्टनर के थ्रू, सही है। तो इसका मतलब एक ने पैसे लेने और एक ने पैसे देने, इसका मतलब दोनों का हिसाब जो है वो बराबर हो गया। तो इसके मार्क्स आ गए, कोई कंफ्यूजन हो तो भाई पूछ ले यहाँ से, कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमने? जी क्या क्या नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमने एसओएफपी बनानी है, किसकी? एक्स लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड कौन है बेटा? बायर है। तो याद रखो जब भी हम बायर के अकाउंट्स बनाते हैं तो बायर जो एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा वो मार्केट वैल्यू पे करेगा, और एक और इम्पोर्टेंट चीज के जो बायर है बेटा वो निकालेगा गुडविल। क्या निकालेगा? गुडविल। तो सेलर जो है बेटा वो याद रखें गेन या लॉस निकालते हैं, और बायर जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? गुडविल निकालते हैं, सही है। तो आप देखते हैं बेटा यहाँ पे जो है वो गुडविल कैसे आएगी। गुडविल होती है इंटेंजिबल एसेट। गुडविल का फॉर्मूला याद है आपको? गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा परचेस कंसीडरेशन, जितने में हम बिजनेस खरीद रहे हैं, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो अब हम बायर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो भाई जो कंपनी है, चाहे वो बाहर वाले हों या ये खुद कंपनी बना रहे हैं, ये इनका बिजनेस कंपनी कितने में खरीद रही है? ये खरीद रही है 360 में, ऐसा ही है ना, परचेस कंसीडरेशन बता रहा था ना, 360 में बेटा हमने बिजनेस टेक ओवर किया, और बदले में हमें मिला क्या? लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में क्या क्या बेटा, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बेटा नेट एसेट्स में हमारे पास है इक्विपमेंट। तो आप देखो इसने खुद बता दिया अब हर चीज की मार्केट वैल्यू,
अगर आप देखो बुक वैल्यू इतनी थी, मार्केट वैल्यू 5% ज्यादा थी, अब हमने 230 को 5% से बढ़ा देना है तो ये मार्केट वैल्यू आ गई 241,500। ऐसे ही इन्वेंट्री को बेटा 3% से कम कर दिया क्योंकि इन्वेंट्री में कुछ गुड्स जो है उनकी एनआरवी गिर गई होगी, तो बेटा अब हमने 52,000 को 3% से कम कर दें या 52,000 का लगा दें 97%। ट्रेड रिसीवेबल को बेटा 2% से हमने क्या करना है, कम करना है, तो जितना ट्रेड रिसीवेबल पहले से दिया हुआ था अब उसका 98% लगा दें। ऐसे ही है ना, हर चीज की बेटा मार्केट वैल्यू ले रहा है। और कैश इन बैंक बेटा उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होती, सही है, तो वो एज इट इज हम बुक वैल्यू ले लेंगे। और हमने नेट एसेट चाहिए, हमें सिर्फ एसेट्स नहीं चाहिए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी चाहिए, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स। तो अगर आप देखो बिजनेस की जो औकात थी वो ये थी 3,16,800 और ये हमने कितने में खरीद लिया, 360। कितने एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ये नाम के पैसे दे रहे हैं पार्टनर्स को, कितने 43,200। तो ये बहुत होशियार है, ये अपने ही नाम के पैसे खुद को ही दे रहे हैं, सही, एक तरफ से ये बायर बन गए और एक तरफ से क्या बन गए, सेलर बन गए, सही है। तो अब ये गुडविल, अच्छा अब देखें एक होता है गुडविल और एक होता है गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन, दोनों में क्या फर्क है भाई, इंपॉर्टेंट बात है, गुडविल और गेन और लॉस में क्या फर्क। गुडविल होती है बेटा परचेज कंसिडरेशन और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का डिफरेंस, सही है, ये होती है गुडविल। और ये जो गेन या लॉस होता है ये क्या होता है, ये बुक वैल्यू और देखा जाए परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस, गेन या लॉस। तो अब अगर आप देखो बेटा कि जो गुडविल होती है ये एक कंपोनेंट होता है, सही है, गुडविल में अगर आप देखो फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, ऐसा ही है ना। तो बेटा अगर आप देखें गुडविल अलग चीज है और वो अलग चीज है, अगर आप देखो यहाँ पे कितनी गुडविल है, 43,200 गुडविल बेटा जितने में हम खरीद रहे हैं और जो मार्केट वैल्यू है उसका डिफरेंस है, ये गुडविल है। और एक और जो डिफरेंस है वो है बुक वैल्यू का और मार्केट वैल्यू का फर्क है, ऐसा ही है ना, बुक वैल्यू और मार्केट। तो गुडविल कितनी है 43,200, लेकिन गेन कितना हुआ है बेटा 51,700, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली बेटा ये जो हमारी गुडविल होती है ये एक कंपोनेंट होता है, लेकिन जो गेन होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो गेन में बेटा अगर आप देखो दोनों चीजें आ जाती, गेन और लॉस में दोनों चीजें आ जाती है, उसमें गुडविल भी आ जाती है टेक्निकली देखा जाए तो, और उसके अंदर बुक वैल्यू और रीवैल्यूएट अमाउंट का डिफरेंस भी आ जाता है, सही है। तो जो गेन या लॉस होता है वो हमेशा, गेन हमेशा ज्यादा होता है, गेन के अंदर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस भी आ जाता है और गुडविल भी आ जाती है, सही है। तो बताएं कभी भी अगर हम चेक करना चाहें तो गेन ऑन रियलाइजेशन ज्यादा होगा या गुडविल ज्यादा होगी, गेन हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि गेन में गुडविल का कंपोनेंट भी शामिल है, सही है, और गेन में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जितना इंक्रीज आ रहा है वो भी शामिल, सही है। तो ये जो सेलर है ये एक तरीके से गेन जो निकाल रहा है उसमें गुडविल का भी गेन आ गया उसका, और जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई टेंजिबल एसेट्स की उसका भी आ गया इम्पैक्ट। लेकिन जो बायर है बेटा वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ता डिफरेंस में, वो डायरेक्टली मार्केट वैल्यू को कंपेयर कर लेता है परचेस कंसिडरेशन, सही है। तो एक को वो इग्नोर कर देता है डायरेक्टली, एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे ले लेता है और दूसरी चीज निकाल लेता है। अब हमने क्या करना है बेटा, एक बार हमारे पास गुडविल आ गई, अब हम इसमें बाकी एसेट्स ऐड कर लेंगे, और अब हम बाकी एसेट्स कौन से लेंगे, सारे मार्केट वैल्यू लेंगे, ऐसा ही है ना। तो क्या ये कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी या अभी हमने कंपनी फॉर्म की है, हाँ बताएं, ये कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी या अभी हमने फॉर्म की है, कंपनी बेटा अभी हमने फॉर्म की है। अगर ये पहले से एग्जिस्ट कर रही होती तो इनके पहले से भी कुछ ना कुछ एसेट्स होते, अगर पहले से एसेट्स होते तो बेटा वो भी हम क्या कर लेते, ऐड कर लेते, ठीक है भाई, सही है। तो बेटा ये आ गए हमारे एसेट्स, हम ये बात कर रहे थे सिर्फ हमारे एसेट्स आएंगे अभी जो हमने खरीदे और पहले से हमारे कोई एसेट्स नहीं है। अगर हमारी कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही होती तो हमारे जो एग्जिस्टिंग एसेट होते वो भी होते और जो हमने टेक ओवर किए दोनों को ऐड कर लेते हैं। नॉन करंट के बाद क्या आता है, करंट एसेट इन्वेंट्री से वही आएगी बेटा जो हमने पार्टनर से खरीदी, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल भी वही आएगा जो पार्टनर से हमें मिला, और बेटा बैंक या कैश की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है बैंक या कैश। अगर आप देखें क्या सीन है, मुझे बताएं क्या पूरे का पूरा बैंक कंपनी ने पार्टनर्स ने हमें ट्रांसफर कर दिया, नहीं किया, कर दिया, तो बताएं भाई पहले से बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है हमारा, ये दिखा रहा है भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पार्टनर्स के पास कितना पड़ा हुआ है 18,300 ये आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें कोई और एडजस्टमेंट है बैंक में या नहीं है, एक और एडजस्टमेंट है यहाँ पे 40,000। अब ये क्या है, ये वो है कि जो कंपनी ने नए शेयर इशू किए किनको, पार्टनर्स को कंपनी बनाने के बाद, सही है। तो अगर आप देखो इसने यहाँ पे एक बात बोली कि एक बार जब कंपनी बन जाएगी तो फिर क्या करेगा, एक हर पार्टनर 20,000 और शेयर्स खरीदेगा कंपनी से पार वैल्यू में। तो जब कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट।
तो बैंक को बढ़ा देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। सही है, तो अब ये बेटा बैंक भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ाएंगे, करंट एसेट्स हो गए, नॉन करंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो बेटा एसेट साइड समझ में आ गई कि एसेट साइड जो है उसके आपको 5 मार्क्स मिले। एसेट्स के बाद बात बढ़ाते भाई आगे हमारा इक्विटी एंड रिजर्व। इक्विटी एंड रिजर्व की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या चीज है इक्विटी एंड रिजर्व में, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जी। तो बेटा अगर आप देखो यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल है, पहले से अगर आप देखो पार्टनर्स को हमने कितने शेयर इशू किए थे, 360 याद है जब हमने टेक ओवर किया था, और 20-20 और शेयर इशू किए तो 40,000 और हो गए, 360 प्लस 40 कितने हो गए, टोटल 4 लाख शेयर। तो देखो वो जो एंट्री बैंक को हमने डेबिट किया था तो अब कैपिटल को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद बेटा आ रहा है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी की, तो अगर आप देखें बेटा हमारे पास कोई लोन वगैरह तो है नहीं, सिर्फ करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ट्रेड पेबल कितना आ रहा है, ट्रेड पेबल 64,000। सही है, एसेट साइड बेटा हमेशा बराबर आनी चाहिए किसके, कैपिटल लाइबिलिटी के। अगर ये बराबर आ गई इसका मतलब हमारा सवाल क्या हो गया, सही हो गया, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अच्छा बेटा पार्ट सी देख लेते हैं आखिरी फटाफट, क्लास जो है वो टाइम ओवर हो गया जो है वो अभी एस की क्लास है, फिर भी ये देख लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। पार्ट ई में क्या कहता है बेटा, पार्ट सी में कह रहा है बेटा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेबेंचर टू बी इशूड इन ऑप्शन ए। हमने बताना डेबेंचर कितना इशू हुआ। केविन जो कि एक फ्रेंड है हमारा ब्रायन का, इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन एक्स लिमिटेड। तो बेटा जो केविन है वो हमारा कौन है, तो बेटा केविन हमारा फ्रेंड है और वो क्या चाह रहा है बेटा, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसमें, एक्स लिमिटेड यार। अच्छा अब बेटा वो ये कह रहा है कि मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। सही है, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, कौन है, शेयर होल्डर अदा इन ब्रायन, वो कंसिडर कर रहे हैं रेजिंग एडिशनल फंड्स। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केविन को हम इशू कर दें डिबेंचर्स। क्या इशू कर दें, डिबेंचर, और कितने भाई, 4% डिबेंचर। अदा इन ब्रायन हैव बीन एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% व्हेन दे वर इन पार्टनरशिप। तो अब ये पार्टनरशिप को दोबारा बीच में इन्वॉल्व कर रहा है, वो कह रहा है जब हम पार्टनर हुआ करते थे तो हम कितना इंटरेस्ट लेते थे, 6%, और वो कह रहा है एनुअल इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इशूड विल बी द सेम वैल्यू एज द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप। वो कह रहा है भाई उसको इंटरेस्ट उतना ही मिलना चाहिए जितना पार्टनरशिप में मिलता। वो कह रहा है अगर हमारी पार्टनरशिप होती तो जितना हम तुम्हें इंटरेस्ट देते या जितना हमें मिल रहा था, अब भी हम तुम्हें जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट उतना ही देंगे, लेकिन हमें डिबेंचर का अमाउंट चेंज करना है। तो यार ये एक चीज हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लोन मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट डिवाइड बाय न्यू रेट, याद है। तो जब लोन की मदद से हम नए डिबेंचर्स निकालते हैं, तो यहाँ पे लोन की मदद से नहीं निकाल रहे बल्कि कैपिटल की मदद से निकाल रहे, बात एक ही है। तो अगर आप देखो बेटा जब उन्होंने इंटरेस्ट, अगर वो पार्टनरशिप को पैसा देता तो कितना इंटरेस्ट मिलता उसको, 6%, ऐसा ही है ना। और अगर आप देखें यहाँ पे कुछ अमाउंट वगैरह उसने बताया कितना है यहाँ पे अमाउंट, यार ये फॉर्मूला होता है हमने एक पढ़ा था, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट डिवाइड बाय न्यू रेट, हाँ। तो ये देखिए ये फॉर्मूला है यहाँ पे, यार ये कुछ और डेटा दिया हुआ होगा ना इसके अलावा, हाँ यही बात है, दोनों का कैपिटल इक्वल था ना 160। तो अगर आप देखो भाई के जो पुराना वाला कैपिटल था दोनों का, तो अब ये लगा है 320 के ऊपर लगा रहा है, सही है ना, टोटल कैपिटल है 320, एक बार दोबारा देख लें, हाँ ये कह रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप, सही क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि सही है, वो कह रहा है जब हम पार्टनर्स थे तो हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था भाई, 6% मिल रहा था, सही है, कह रहा है एनुअल इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इशूड विल बी द सेम वैल्यू एज द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इंटरेस्ट का मतलब एक बंदे का नहीं, टोटल। तो अगर आप देखो टोटल कैपिटल कितना था जब ये पार्टनर थे, तो 320,000, तो 320,000 पे अगर हम लगा दें 6% कितना बन रहा है, 320 पे 6% बन रहा है 19,200, सही है। इसका मतलब बेटा पार्टनरशिप में जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसके हिसाब से वो कह रहा है जितना इंटरेस्ट बन रहा था अब उसको भी हम उतना ही इंटरेस्ट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और अब हम उसको जो इंटरेस्ट देंगे वो 6% पे नहीं देंगे बल्कि 4% पे देंगे। तो हम एक काम करेंगे बेटा, ओल्ड रेट था 6% और न्यू रेट कर देंगे 4%। तो 19,200 अगर उसको इनकम मिलनी चाहिए हर साल, किसको, केविन को, और वो अगर 4% पे बन रही है तो 4,80,000 का उसको हमने डिबेंचर इशू करना है, सही है। कितना डिबेंचर इशू करना है, 4,80,000। हमने बोला भाई कि अगर तुम हमारा क्या बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम इन्वेस्ट करो बिजनेस में, सही है, तो वो कह रहा है कि तुम्हें जो है 4,80,000 डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे।
4,80,000 की सेंस ये बेटा कि 4,80,000 रुपए अगर हम लगाएं 4% तो वो भी 19,200 बनता है, और 3,20 पे अगर 6% लगाएं तो वो भी क्या बनता है 19,200। तो हम चाह रहे हैं इंटरेस्ट उसको उतना ही मिले जितना हम दोनों को मिला के इंटरेस्ट मिल रहा था, सही है ना। तो ये थोड़ी सी एक इसने रिक्वायरमेंट बनाई है। पार्ट डी बेटा आखिरी रिक्वायरमेंट है, एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज जस्टिफायर आंसर। तो भाई पहला ऑप्शन ये है कि हम उससे डिबेंचर के थ्रू पैसा ले लें 4,80,000, और दूसरा ऑप्शन क्या है भाई केविन को हम शेयर इशू कर दें, सही है। और वो कह रहा है वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर विल बी द सेम एज 4% डिबेंचर ऑप्शन है। इसका मतलब या तो 4,80,000 डॉलर उससे डिबेंचर की मद में ले लिए जाए, या 4,80 उससे किसकी मद में ले लिए जाए ऑर्डिनरी शेयर के हवाले से ले लिए जाए। तो हमें बताना है भाई कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा। तो भाई पहली बात यह है कि अगर हम डिबेंचर के थ्रू पैसा लेते हैं तो उसका फायदा नुकसान क्या है, दो फायदे सही है और दो नुकसान, एक फायदा और एक नुकसान लिखना है बेसिकली एक ऑप्शन। डिबेंचर का फायदा यह बेटा हमें इक्विटी नहीं देनी पड़ेगी, सही है, हमारा कंट्रोल जो है वो डायल्यूट नहीं होगा, ऐसा ही है ना, हमारी इक्विटी डायल्यूट नहीं होगी। डिबेंचर का बेटा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 4% है, सही है, वो हाँ पहले जो पार्टनरशिप है उससे तो बेटर है ना, पार्टनरशिप से बेटर। फिर डिबेंचर में जो है वो कुछ नुकसान है, नुकसान ये हो सकता है बेटा कि उसमें हर हाल में हमने इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो, सही है। और अगर हम ऑर्डिनरी शेयर और डिबेंचर का एक नुकसान ये हो सकता है हमें सिक्योर करना पड़े डिबेंचर्स को, तो उसके लिए कोलेटरल वगैरह हमें रखवाना पड़े, सही है ना, कोलेटरल हो सकता है उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और दूसरा ये भाई अगर हम ऑर्डिनरी शेयर के थ्रू पैसा लें तो ऑर्डिनरी शेयर पर डिविडेंड देना जो है वो जरूरी नहीं होता कि हमारा भाई दिल चाहेगा तो डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो देंगे, वरना डिविडेंड देने की जरूरत नहीं। फिर डिबेंचर अल्टीमेटली भाई हमारा लॉन्ग टर्म तो होता है लेकिन हमने आज नहीं तो कल ये पैसा वापस भी करना होगा, ऑर्डिनरी शेयर का पैसा कभी भी वापस करने की जरूरत नहीं। तो बेटा ऑप्शन ए क्या है डिबेंचर, डिबेंचर की कुछ बातें देख लें। कह रहा है इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड 4% शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विल बेनिफिट, सही, वो कह रहे हैं भाई अगर हम उससे पैसा ले रहे हैं कितने परसेंट पे, 4% पे, और अगर कंपनी 4% से ज्यादा उस पर जनरेट करती है प्रॉफिट तो ओवरऑल शेयर होल्डर को फायदा होगा, सही, एज अ शेयर होल्डर जो है वो ये जो दो एग्जिस्टिंग है आधा और ब्रायन उनको भी उसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 4% हमने उसको दे दिया और हमने कमाया 10% तो बाकी 6% अपनी जेब में आया। कह रहे बेटा गेयरिंग रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा तो उससे रिस्क बढ़ जाएगा। गेयरिंग क्या होती है भाई, बिजनेस के अंदर अगर टोटल पैसे में से जितना पैसा बाहर वालों का होगा उतना रिस्क बढ़ जाएगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो एक फाइनेंशियल चार्ज है, एक एक्सपेंस है, जिससे क्या होगा बेटा प्रॉफिट कम होगा, और इससे एक फायदा यह है कि उससे हमें टैक्स भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, ये एक फायदा। और वो कह रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी भी हो सकता है वो मांगे केविन जो कि हमारा दोस्त है कि भाई अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो क्या होगा। आगे वो कह रहा है ऑप्शन टू अगर हम शेयर इशू करें तो क्या होगा भाई, शेयर इशू करने में कंट्रोल हाथ से जाएगा, कंट्रोल डायल्यूट हो जाएगा, सही है, कंट्रोल डाइल्यूट हो गया। क्या कह रहा है केविन विल टेक कंट्रोल ऑफ एक्स लिमिटेड, हाँ वो कह रहा है 4,80,000 शेयर हम उसको इशू कर रहे हैं और हमारे पास दोनों के पास मिला के कितने शेयर हैं, 4 लाख, सही, तो हम दोनों को मिला के देखा जाए तो 2-2 लाख शेयर हैं और उस अकेले के पास 4,80,000 है, तो हम दोनों से ज्यादा तो उसका पावर हो जाएगा, तो मोर देन 50% कंपनी उसके पास आ गई तो कंट्रोल तो हाथ से चला जाएगा। आधा इन ब्रांड में लूज मैनेजमेंट कंट्रोल, एक तो कंट्रोल हाथ से जाएगा, दूसरा केविन में कॉन्ट्रीब्यूट इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द प्रोजेक्ट, भाई वो बिजनेस के लिए अपनी नॉलेज या एक्सपीरियंस लेकर आ सकता है। डिविडेंड बेटा से उस वक्त पे करेंगे जब हम चाहेंगे, सही है, डिविडेंड जो है वो डिस्क्रेशनरी है ये भी लिख सकते हैं। और एक फाइनल आंसर डिसीशन का कि भाई क्या करना चाहिए, हमें उसको शेयर इशू करने चाहिए या फिर डिबेंचर के थ्रू पैसा रेस करना ज्यादा बेटर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरवरी मार्च 24 का हम पेपर देख रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, और ये है KPLC के नाम से, सही, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का सवाल है बेटा, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कह रहा सर KPLC फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st December, ईयर एंड कब हो रहा है भाई 31st December, एन इनएक्सपीरियंस बुक कीपर प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड बाय ओनली कंपेयरिंग द बैलेंस ऑफ ईच आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द ईयर 2022 एंड 23। तो क्या कह रहा है भाई, इन एक्सपीरियंस बुक कीपर ने ये बनाया है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और उसने क्या किया, सिर्फ 2 सालों की जो SOFP है उसका उसने क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल दिया, ऐसा ही है ना। तो अगर आप देखो नॉन करंट एसेट इतने से बढ़ गए तो उसने लिख दिया नेगेटिव, किसका मतलब एसेट खरीदे होंगे, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन का भी तो चक्कर हो सकता है नहीं, ऐसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है उसने बोला बढ़ गया और ऐसा आ जाए।
तो बेटा आगे क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ गया। अच्छा अब आप देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बढ़ता है वो तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आता ही नहीं है ना यार, वो आता है लेकिन वो हम क्या करते हैं उसकी डेप्रिसिएशन को एड बैक करते हैं, सही है ना, तो वो अलग तरीके से हम करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जितनी भी चीजों में इंक्रीज या डिक्रीज था ना वो सारी एक साथ लिख दी, सही है, इन्होंने गलत किया है। अब हम देखते हैं भाई ये कैसे सही होगा। और यहाँ पे बेटा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है नोड 1, 2, 3, 4 में, और रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप देखें रिक्वायरमेंट जो है वो अलग पेपर में दी हुई होती है आपको, क्वेश्चन पेपर में क्या कह रहे हैं भाई, एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई द इंफॉर्मेशन इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस इज इम्पोर्टेंट टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो कुछ थियोरेटिकल रिक्वायरमेंट है बेटा, आपने ये बताना है कि यार ये बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो बनाना क्यों जरूरी है, वैसे ही है ना। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बेटा क्या हेल्प करती है, तो कोई भी भाई एक रीजन लिखना है, तो अब देख लेते हैं भाई, आ जा भाई राफेल। तो बेटा आप देखें क्या कह रहे हैं, वन रीजन बताना है व्हाई इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो भाई क्या क्या रीजन हो सकते हैं देखें जरा, कोई भी एक रीजन लिखना है, द बिजनेस हैज इनफ कैश टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस सो दैट द बिजनेस कैन जनरेट प्रॉफिट टू प्रोवाइड रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। कह रहे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये मेक श्योर करती है कि हमारे पास जो है वो कैश था, और अगर हमारे पास कैश नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बिजनेस नहीं कर सकेंगे, और अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। तो भाई फ्यूचर में अगले साल प्रॉफिट कमाने के लिए हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास इनफ कैश हो, और ये कौन बताएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बताएगा। कोई भी एक रीजन पूछा बेटा इनमें से, यहाँ पे मल्टीपल रीजन लिखवाए, एग्जामिनर ने, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। कह रहे द बिजनेस हैज इनफ कैश टू पे इट्स ऑब्लिगेशंस, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात हो रही है, so that the business will not go bankrupt, which will result in shareholders losing their investment in the business. तो बेटा पहला इसने पॉइंट बनाया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, सही है ना, कि कह रहा है इतना कैश होना चाहिए कि हम बिजनेस को, ऑपरेशंस को क्या करें, स्मूथली रन कर सकें। और दूसरा क्या पॉइंट इसने रेज किया, वो कह रहा है भाई इतने पैसे होने चाहिए कि हम अपनी फाइनेंसिंग जो है वो लाइबिलिटीज जो ऑब्लिगेशन है उनको क्या कर सकें, पे ऑफ कर सकें। तीसरा रीजन लिखा है, कोई भी एक लिखना है इनमें से, इट शोज हाउ द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ईच कंट्रीब्यूट टू द नेट कैश मूवमेंट सो दैट द शेयर होल्डर्स कैन कंसिडर वेदर टू कंटिन्यू विद देयर इन्वेस्टमेंट। तो वो ये बता रहा है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको पता है तीन कैटेगरीज में डिवाइड करती है, कौन कौन से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इससे पता लगेगा भाई कि शेयर होल्डर जो है को ये पता लगेगा कि बिजनेस कौन सी कैटेगरी में कितना कैश जनरेट कर रहा है, सही है, और इससे पता लगेगा शेयर होल्डर्स को ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि हमने आगे क्या करना है, ये कंटिन्यू करना है इस कंपनी के साथ या नहीं करना, सही है जी। पार्ट बी में देखते हैं जी क्या कह रहा है, पार्ट बी में जो है वो रिक्वायरमेंट है कि हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। तो यार देखें प्रॉफिट तो वैसे तो इनकम स्टेटमेंट से आता है, लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट का डेटा ना हो तो फिर हम रिटेन्ड अर्निंग की मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाना पड़ेगा, यार सोसाई में अलग अलग कॉलम्स होते हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग कॉलम की, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग कॉलम में क्या चीज आती है बेटा, प्रॉफिट आता है, सही है ना। तो अब आप देखें सबसे पहले क्या आता है बेटा रिटेन्ड अर्निंग कॉलम में, बैलेंस बीडी, यस नो। तो स्टार्ट करेंगे बेटा ओपनिंग बैलेंस से, तो अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे आएगा, अब देखते हैं जरा सवाल। अच्छा अगर आप देखो सवाल में इससे बता दिया इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, क्या बता दिया, इंक्रीज, तो 9600 से रिटेन्ड अर्निंग बढ़ गई, तो ओपनिंग कितनी थी, अगर आप देखो बेटा ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 23 में, तो स्टार्ट कब हो रहा होगा, जनवरी 23, तो क्या ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई यहाँ पे, कितनी पड़ी हुई है, 25,100। तो बेटा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग अगर पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट से आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाती है, प्रॉफिट हमें गिवन है या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, इसको एक्स कर दें, और क्या आता है बेटा रिटेन्ड अर्निंग कॉलम में, सही है, डिविडेंड पेड आता है या प्रपोज, डिविडेंड पेड आता है। तो सवाल में बता रहे बेटा डिविडेंड पेड के बारे में कुछ, यहाँ देखें इस लिस्ट में नहीं दिया हुआ, नोट्स में दिया हुआ, हाँ डिविडेंड पेड आ रहा है 22,000, सही है, चाहे पिछले साल के फाइनल पे किए या इस साल के इंटरिम पे किए, डिविडेंड पेड इधर आता है। और अगर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है तो क्या क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा, क्लोजिंग तो ये माइनस करेंगे ना यहाँ पे, सही है ना। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो जनरल रिजर्व बढ़ जाता है और रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाती है, तो माइनस करें।
अच्छा अब देखिए क्लोजिंग रिटेन अर्निंग यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? उसने आपको ओपनिंग बता दी और ये बता दिया इस बार रिटेन अर्निंग बढ़ गई कितने से, 9600 से। तो बेटा ओपनिंग में अगर हम ऐड कर दें जितने से बढ़ गई, तो क्या क्लोजिंग आ जाएगा ही नहीं? हाँ, ओपनिंग रिटेन अर्निंग से चलेंगे बेटा, जितने से बढ़ गई वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ओपनिंग में प्लस करते हैं तो क्या क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी। तो क्या अब रिवर्स वर्किंग करके हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे? कैसे? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग से चलेंगे, जो ड्रॉइंग माइनस हो रही थी बेटा उसको क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, और जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग एड हो रही थी उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या आ गया? प्रॉफिट। तो बेटा इसके एग्जामिनर ने जो दिए थे वो 3 मार्क्स दिए थे, 1 मार्क ओपनिंग क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का, 1 प्रॉफिट का ओन फिगर मार्क, और 1 डिविडेंड का। 3 मार्क्स। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या पढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बेटा, आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन अकॉर्डेंस विद IS-7। याद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बेटा आपको पता है 3 कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सही, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, बात एक ही होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आप देखें सवाल में जो अभी हमने प्रॉफिट निकाला है, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है या प्रॉफिट फॉर द ईयर है? फॉर द ईयर। तो इसमें हम क्या करें कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, इसमें हम बेटा इंटरेस्ट और टैक्स जो हम माइनस कर चुके थे उसको एड बैक करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? तो सवाल ये आता है कि क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट या टैक्स के हवाले से कोई चीज दी हुई है? बताए जरा, इंटरेस्ट या टैक्स के सवाल में दिया हुआ है? नहीं जी, सवाल में दिया हुआ है बेटा, अगर आप देखें इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये आता है बेटा, यहाँ इंटरेस्ट पेड आता है या इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। और सवाल में क्या इन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हमें नहीं बताया ना? सही है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हमें बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए, जिसको आप कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? टी अकाउंट। कैसे बनाएंगे बेटा इंटरेस्ट का अकाउंट? देखो मैं आपको बना के बताता हूँ इंटरेस्ट का अकाउंट कैसे बनाना। इंटरेस्ट क्या होता है, इनकम या एक्सपेंस? हाँ, बिजनेस के लिए नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस में बनाते हैं पाप अकाउंट, ऐसा ही है ना? तो बेटा इंटरेस्ट में कभी भी प्रीपेड नहीं होता, इंटरेस्ट से अक्रूड होता है। तो बेटा ओपनिंग अक्रूड कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। और क्लोजिंग अक्रूड कहाँ जाएगा बेटा? ये वर्किंग्स कर रहे हैं डेबिट में। जब इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री बनाएंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट। इनकम स्टेटमेंट बोले या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोले, बात एक ही है। सही, लेकिन बेहतर है कि आप नया नाम यूज करें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सही, ये तो रफ वर्किंग है, इसमें चल जाएगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट ऑफ वर्ड यूज ना करें। और जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? इंटरेस्ट डेबिट और बैंक क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तब आप देखें बेटा अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में क्या यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ गिवन है सर? अगर आप देखो बेटा ये जो 1 जनवरी है ये ओपनिंग है ना, क्या ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है बेटा? 800। अगर ओपनिंग अक्रूड क्रेडिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ पे आना चाहिए? डेबिट। क्लोजिंग इंटरेस्ट बेटा यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ देखें लिस्ट में दिया हुआ है इंक्रीज इन लोन इंटरेस्ट आ रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट। तो बेटा इंक्रीज हो गया 600 से, तो अगर ओपनिंग 800 है तो इसमें हम 600 प्लस करें या माइनस करें? इंक्रीज हो गया, प्लस करेंगे ना। तो 800 प्लस 600 टोटल कितना हो जाएगा अक्रूड? 1400 हो जाएगा, समझ में? तो बेटा अगर हमें ओपनिंग दिया हुआ था और अगर इंक्रीज हो गया बाय कितना? सही, इंक्रीज हो गया बाय 600, तो ये आ गया क्लोज। अच्छा, अगर हमें ये ओपनिंग दिया हुआ ही ना होता, सही, 800 नहीं दिया होता और ये सिर्फ बोलता है इंक्रीज बाय 600, फिर क्या करते? अगर ओपनिंग दिया हुआ ही नहीं होता तो ओपनिंग को जीरो कर देते और क्लोजिंग में 600 लिख देते। इसका मतलब 0 600 का डिफरेंस कितना होगा? इंक्रीज बाय 600। और अगर वो कहता है डिक्रीज बाय 600, फिर क्या करते? फिर ओपनिंग 600 लिख देते, क्लोजिंग 0 कर देते, तो डिक्रीज हो जाता। सही, तो इस तरीके से हम करेंगे। इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू गिवन है या फाइंड करनी है? फाइंड करनी, लेकिन इंटरेस्ट पेड गिवन है। कितना इंटरेस्ट पे कर दिया बेटा? 1600। तो क्या आप इसकी मदद से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट? कैसे बेटा? 1600, जैसे वो हम करते हैं ना, वो याद है इतना हमारा पेड है, ईयर एंड पे अक्रूड क्या होता है, प्लस या माइनस? प्लस। तो 1600 में अक्रूड प्लस हो गया, टोटल कितना हो गया? 3000 माइनस ओपनिंग अक्रूड माइनस कर दो, तो कितना आ गया बेटा? इंटरेस्ट एक्सपेंस 2200। तो ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस जो जाता है इनकम स्टेटमेंट। सही जी,
हाँ एक लाइन में भी वर्किंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना कैसे, बैंक प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हाँ अपना प्राइम मिनिस्टर सही, अक्रूड प्लस प्रीपेड माइनस, तो ये वाला ज्यादा ज्यादा आसान है। चल ऐसा कर ले, तो इससे भी कर सकते हैं। अच्छा लेकिन मसला ये होता है, हाँ सुने जरा जी, स्टार्ट ऑफ द ईयर में उल्टा हो जाता है, एंड ऑफ द ईयर अक्रूड अगर प्लस हो रहा है तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में माइनस हो जाए। अच्छा अब आप वो अगर लाइन वाली वर्किंग करते हैं ना, तो उसमें हमेशा अपना प्राइम मिनिस्टर अप्लाई होता है, लेकिन अपना प्राइम मिनिस्टर याद रखें कि ये इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू निकालने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट तो गिवन होती है, यहाँ पे ज्यादातर बैंक की वैल्यू निकालनी होती है, तो फिर उल्टा हो जाएगा, अपना प्राइम मिनिस्टर रूल भी उल्टा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप जो अकाउंट बनाकर करें, तो उसमें जो है वो आपको अगर बैंक फाइंड करना होगा तो वो भी कर पाएंगे। अपना प्राइम मिनिस्टर रूल सिर्फ इनकम स्टेटमेंट निकालने के लिए, तो हम बैंक में क्लोजिंग क्या करते हैं, प्लस करते हैं और ओपनिंग माइनस करते हैं। अगर हम इनकम स्टेटमेंट से चलेंगे तो उल्टा नहीं हो रहा, सोचे ये जो 2200 है इस, हाँ तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अच्छा आगे बात करें बेटा, यहाँ तक हो गई बात, तो हमने क्या किया बेटा, ये क्यों इंटरेस्ट निकाला, ताकि हम प्रॉफिट फॉर द ईयर में अगर इंटरेस्ट एड बैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, सही। टैक्स नहीं है, अगर टैक्स होता तो वो भी क्या करते बेटा यहाँ पे एड बैक कर देते, सही है ना। और क्या आता है बेटा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद एड बैक करते हैं इसमें डेप्रिसिएशन, सही। अब डेप्रिसिएशन बेटा यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो बता सकते हैं बेटा डेप्रिसिएशन कैसे निकाले इस सवाल में। डेप्रिसिएशन बेटा अगर आप देखो, डेप्रिसिएशन निकाल देखिए, दो चीजें, या तो आपको कॉस्ट अकाउंट बनाना होता है या प्रोविजन अकाउंट, दो चीजें ना, सही है। तो अगर हमने ये देखना है कि कौन सा एसेट बाय या सेल किया है, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंट बनेगा, उसके लिए क्या बनेगा, कॉस्ट अकाउंट। और अगर आपसे वो ये बोलता है यार कि डेप्रिसिएशन निकालो, तो उसके लिए हम बनाएंगे प्रोविजन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन। तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ओपनिंग भी दिया हुआ है प्रोविजन, तो हम एक काम करेंगे प्रोविजन का अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट बनाएंगे, देखिए प्रोविजन का अकाउंट। बताए बेटा प्रोविजन का नेचर क्या होता है, अच्छा ये सवाल बनाया है उन्होंने काफी, प्रोविजन का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट पे या क्रेडिट पे, ओपनिंग क्रेडिट पे आएगा, तो क्लोजिंग कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट। अगर हम कोई एसेट बेच देते हैं तो उसकी अभी तक की जितनी डेप्रिसिएशन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, डिस्पोजल में, कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, डिस्पोजल। और जो इस साल की डेप्रिसिएशन है उसकी क्या एंट्री बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, सही है। और डेबिट साइड पे आता है डिस्पोजल। अब मुझे बताएं ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पे चेक करें 1 जनवरी में कितना दिया हुआ प्रोविजन बेटा, 195, ये ओपनिंग हो जाएगा। और क्या क्लोजिंग बताया या इंक्रीज बता दिया, नॉर्मली तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया होता है, या ओपनिंग दिया हुआ है और इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ है, तो इसकी मदद से क्लोजिंग निकाल लेंगे। तो अगर ओपनिंग इतना है बेटा और इंक्रीज हो रहा है 2800 से, तो ये क्या करें ऐड कर दें 195 में ना, 195 प्लस 2800, तो ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग, आगे 217800। इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू हमें गिवन है या निकालनी है, निकालनी है। डिस्पोजल का क्या मतलब बेटा, जो एसेट बेचा उसकी अभी तक की टोटल डेप्रिसिएशन। तो बेटा यहाँ नोट में बताया हुआ है एक न्यू आइटम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किया, सही है भाई, अच्छी बात है, कह रहा है और रिप्लेस किया इक्विपमेंट को जो पहले बाय किया था कब, 2021 में। वो कह रहा है जो एसेट बेचा उसकी कैरिंग वैल्यू थी 9000। कैरिंग वैल्यू क्या होती है, एनबीवी, कैरिंग वैल्यू बेटा दूसरा नाम है नेट बुक वैल्यू का, सही है, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल व्हिच वाज सोल्ड फॉर दिस। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसने और कंफ्यूज किया, यहाँ पे इसने पॉलिसी बता दी इक्विपमेंट की 20% है स्ट्रेट लाइन, सही है, फुल ईयर पॉलिसी है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये नेट बुक वैल्यू बता रहा है, सही है, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं बता रहा, तो कैसे निकालेंगे आप, 9000 को डिवाइड करने में अगर हमें एनबीवी दी हुई है और कॉस्ट या प्रोविजन नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे बताएं, एनबीवी की मदद से। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं बेटा, ये एसेट बाय कब किया था, 21 में, सही है। तो पहला साल डेप्रिशिएट किया होगा 21 में और दूसरा साल डेप्रिशिएट किया होगा 22 में, दो साल हो गए, तो एक साल नहीं हुआ एसेट को बाय किए, दो साल हो गए, 21 और 22, और अभी क्या चल रहा है 23। तो बताओ जिस साल बेचा के उस साल डेप्रिशिएशन लग रही है, नहीं लग रही ना, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, हाँ जान मोहम्मद, जिस साल बेचा उस साल नहीं लग रही, तो 21 और 22 दो साल लगी होगी। तो अगर दो दफा 20-20% लगाई तो कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी, 40%। इसका मतलब ये जो 9000 बुक वैल्यू बच गई, ये 40% है या ये 60% है, ये 60% है,
क्योंकि दो दफा 20-20 वैल्यू गिर गई ना, तो अब कितनी बची? 100 में से दो दफा 20-20 गिरा दो, 40% गिरा दो, तो कितनी बच गई? 60% बच गई। तो ये बेटा 9000 कितना परसेंट है? ये 60%। अगर 9000 60% है तो पहले 100% निकाल सकते हैं कैसे? कैलकुलेटर, 9000 को डिवाइड करो 60% से, 9000 डिवाइड बाय 60%। अगर 9000 बेटा 60% है तो बताओ 100% कितना है कॉस्ट? इधर आ जाओ ना, आगे आ जाओ। 9000 अगर 60% है तो कितना आ जाएगा भाई? 15000 आ गई कॉस्ट। तो बेटा अगर कॉस्ट है 15000 और एनबीवी है 9000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 15000 कॉस्ट है और 9000 है हमारे पास क्या चीज? एनबीवी। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये ऐसे भी देख सकते हैं, 15000 पे पहले साल 20% लगाई, कितना हो गया? 3000। दूसरे साल दोबारा 3000, तो 3+3=6 हो गया या नहीं हो गया? तो देखें इस तरीके से यहाँ पे आपने क्या करना था, फाइंड करना था टोटल प्रोविजन। समझ में आया कैसे घुमाया था? टोटल प्रोविजन। तो इस तरह की हरकतें पहले भी की है आपने, शायद भूल गए होंगे आप। अब क्या इन दोनों को ऐड करके माइनस करके डेप्रिसिएशन आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट या नहीं? इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ गई। कितनी आ गई बेटा डेप्रिसिएशन? ये आ गई 28,800। अच्छा यहाँ पे एक और भी मैं कैलकुलेशन, चलो आगे देख लेते हैं, पहले यहाँ तक कर लेते हैं। अब ये जो डेप्रिसिएशन है हमने क्या करनी है, 28,800 एड बैक कर देनी है, ऐसा ही है ना? एड बैक क्यों करते हैं बेटा डेप्रिसिएशन? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन जो एज एन एक्सपेंस चार्ज कर चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में, कैश फ्लो में तो डेप्रिसिएशन आती नहीं है, इसलिए इसको एड बैक कर दिया। और आता है गेन या लॉस। गेन या लॉस निकाल सकते हैं, आसान है यार। उसने बताया जो एसेट बेचा उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी बेटा? 9000। और ये कितने में बिका ये बता रहा है? प्रोसीड्स कितनी है? 6200। बताएं बुक वैल्यू से ज्यादा में बेच दिया है कम में? कम में बेचा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस को हम एड बैक कर देंगे। लॉस को क्यों एड बैक करते हैं सर? लॉस को इसलिए हम एड बैक करते हैं क्योंकि मैंने पूरा 9000 शो करना है, सॉरी मैंने जो है वो सिर्फ जो इनफ्लो हुआ है वो शो करना है, जो गेन या लॉस हुआ है वो शो नहीं करना। तो जितना बेटा मैंने लॉस जो है वो शो किया था उसको मैं एड बैक कर दूंगा, सही है। और जितने में बेचा 6200 सिर्फ वो शो करूंगा एज एन इनफ्लो, सही है ना? तो इसीलिए अगर गेन हुआ होता तो उसको माइनस कर देते यहाँ पे, और लॉस हुआ है तो उसको एड बैक कर देते, सही है जी। ये हो गई हमारे पास डेप्रिसिएशन और लॉस को एड बैक कर। उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस बहुत आसान होता है, इसमें नॉर्मली तीन चीजें आती है, कौन कौन सी? इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल्स, सही है। ट्रेड रिसीवेबल है तो वो भी आएगा, अदर रिसीवेबल है तो वो भी आएगा। ट्रेड पेबल है तो वो भी आएगा, अदर पेबल है तो वो भी आएगा। क्या इसने खुद बता दिया इन्वेंट्री रिसीवेबल और पेबल? देखें खुद ही बता दिया, तो ये एज इट इज लिख देता है। आपको पता है अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो कैश क्या होगा? बात है नहीं भाई। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा भाई। ओ लेवल की क्लास थोड़ी है, तुम लोग गपशप लगा रहे हो बैठ। और ऐसे बेटा ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या होगा? अगर इंक्रीज होगा तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे ही होता ना। और ट्रेड पेबल्स में भी सही किया इन्होंने, हाँ ट्रेड पेबल्स अगर बेटा डिक्रीज होगा तो कैश भी डिक्रीज हो जाएगा, सही है ना? तो ये तीन चीजें इसमें आती है। अदर पेबल आता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता यहाँ पर, हाँ अदर पेबल्स तो आता है लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आता, और अदर रिसीवेबल आता है यहाँ पर। तो बस ये तीन चीजें वर्किंग कैपिटल में, इन तीनों को नेट कर देते, सही है। अब जो आंसर आता है वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ये याद कर ले तो अच्छा है, और अगर नहीं भी याद होता तो कोई मसला नहीं है, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभार एक मार्क दे देता है इसका भी लिखने का ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद एक चीज और आती है, बल्कि दो चीजें आती है, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, याद है? तो इस सवाल में बेटा इंटरेस्ट पेड है, टैक्स पेड नहीं है। इंटरेस्ट पेड यहाँ पहले ही गिवन है, तो देखें इंटरेस्ट पेड गिवन है 1600, तो यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आता, डायरेक्टली इंटरेस्ट पेड आता। और ये जो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग हो गया। ऑपरेटिंग के बाद बेटा जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या होती है? वो होती है इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग। भाई इसमें फॉर्मेट का ख्याल रखना है, या आप जो मर्जी पहले नहीं कर सकते, सही है। ये IAS 7 है, उसने फॉर्मेट हमें बताया है, सही है। तो उसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है, वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे आते हैं। ऑपरेटिंग के बाद जो दूसरी चीज जिसमें शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होते हैं वो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चे इन्वेस्टिंग में क्या आता है? इन्वेस्टिंग में आता है जो नॉन करंट एसेट बाय या सेल की। अब आप देखो इसने ये तो हमें बता दिया कि नॉन करंट एसेट ओवरऑल इतने से क्या हो गए? बढ़ गए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जो हमने बेचा होगा तो वो भी तो इसमें एडजस्ट हुआ होगा, सही है ना? जो बेचा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो याद रखें बेटा, जब हमने एसेट बाय या सेल किए, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या रिकमेंडेड है कि आप कॉस्ट का अकाउंट बनाएं पहले। क्या बनाएं? कॉस्ट का अकाउंट।
और अगर आपको डिप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो किसका अकाउंट बनाए, फिर प्रोविजन का अकाउंट बनाए। लेकिन अगर कॉस्ट और प्रोविजन दोनों अलग अलग सर ना दिया हुआ हो फिर क्या करें, फिर एक ही अकाउंट बनाएंगे और वो एनबीवी का अकाउंट बनाएंगे। किसका बनाएंगे, नेटबुक का। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जो एसेट खरीदा या बेचा उसके लिए कौन सा अकाउंट रिकमेंडेड है, कॉस्ट अकाउंट, और जो डिप्रिसिएशन है उसके लिए कौन सा अकाउंट रिकमेंडेड है, प्रोविजन अकाउंट। लेकिन अगर बेटा ये दोनों अलग अलग अकाउंट बाद अगर नहीं दिया, जैसे एक चीज दी हुई होती है एनबीवी, तो एनबीवी के अकाउंट से दोनों चीजें निकाल पाएंगे, मतलब दोनों में से एक चीज, या तो हमने जो एसेट खरीदा बेचा वो भी आता है एनबीवी अकाउंट में, ओएडीसी जो था ना, और जो हमने वो डिप्रिसिएशन चार्ज की वो भी आ जाती है, दोनों चीज आ जाती है। लेकिन दो में से एक चीज फाइंड हो सकती है, दोनों नहीं फाइंड हो सकती। अब आ जाते हैं कॉस्ट अकाउंट। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट पे, तो क्लोजिंग कहाँ पे आ जाएगा बेटा, क्रेडिट पे। जब हम एसेट बाय करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे या क्रेडिट पे, जब बाय करेंगे तो बेटा वो आ जाएंगे डेबिट पे ऐसा, और जो सेल करेंगे तो बेटा वो कहाँ आ जाएगा, डिस्पोजल, क्रेडिट पे। तो क्या इसने बता दिया बेटा साल के शुरू में कितने एसेट पड़े हुए थे, देखो यार है भाई कॉस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 325। जब ये साल शुरू हुआ तो एसेट कितने पड़े हुए थे, 325, और एंडिंग अब देखते बेटा ईयर एंड पे कितने एसेट बच गए। नोट नंबर बेटा अगर आप देखो यहाँ पे नहीं, बल्कि ये देखें ड्राफ्ट में ये बता दिया कितने से एसेट बढ़ गए, 33 से बढ़ गए। तो बेटा अगर हमारे पास ओपनिंग ये थे तो क्लोजिंग कितने होंगे, अगर 33 से बढ़ गए तो प्लस कर देना, 325 में 33 क्या करें, प्लस कर दें, तो क्लोजिंग आ जाएंगे या नहीं, ये क्लोजिंग आ गए। लेकिन बेटा ये जो नेट आ रहा है चेंज, इसको हमने डायरेक्टली इसलिए नहीं लिया कि इसमें बेचे भी तो हैं, सही है, तो जो बेचे हैं वो भी एडजस्ट हुए हैं इसमें, सही है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो हमें ये नहीं देखना जो बेचे हैं उसको एडजस्ट करके, सही, हमें सिर्फ ये बताना है नए कितने के खरीदे। तो अब बताओ बेटा ये जो एसेट बेचे उसके डिस्पोजल के बारे में कुछ बता रहा है, जी वो कह रहा है एक हमने एसेट बेचा जिसकी कैरिंग वैल्यू इतनी थी, क्या उसकी अभी हमने कॉस्ट फाइंड कर ली थी या नहीं, देखो जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, 15 था। तो बेटा जब हम कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे तो डिस्पोजल में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो एसेट बेचा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसा ना, और जब हम प्रोविजन का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डिस्पोजल में क्या आता है बेटा, जो एसेट बेचा उसकी टोटल डेप्रिसिएशन। प्रोविजन अकाउंट में टोटल डेप्रिसिएशन आती है डिस्पोजल में, और कॉस्ट अकाउंट में डिस्पोजल में क्या आता है, जो एसेट बेची उसकी कॉस्ट। और अगर हम एनबीवी का अकाउंट बना रहे हैं भाई ओएडीसी वाला, तो उसमें जो एसेट बेचा उसकी क्या आती है, एनबीवी आती है, वैल्यू आती है, सही। तो क्या अब हम ये फाइंड कर पाएंगे बैंक कैसे, 15,000 बेटा एसेट की कॉस्ट है, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं। तो बेटा 15 और 358 को ऐड करेंगे और 325 को क्या कर देंगे, माइनस कर। तो बेटा कितने के हमने नए बाय किए थे, 48 के, देखो आगे 48। अब इसकी लॉजिक क्या है भाई, इसने तो बोला था सर कि आपने जो ओवरऑल एसेट आपके बढ़े ना वो 33 से बढ़े, कितने से बढ़े, 30। लेकिन 33 तो कब बढ़े, बेचने के बाद, अगर वो जो बेचा था वो उसमें दोबारा ऐड कर दें, सही है ना, अगर 33 में 15 और ऐड कर दें तो इसका मतलब खरीदे कितने, 48 के खरीदे, 15 के बेचे, उसके बावजूद भी 33 से बढ़ गए। अरे बात समझ नहीं भाई, जैसे मैं मिसाल दूं ना कि 48 बच्चों ने एडमिशन लिया नया स्कूल में, 48 नए बच्चे आए और 15 बच्चे छोड़ के चले गए, तो ओवरऑल आप क्या कह रहे हैं, 33 बच्चे आए। अरे बात समझ, ओवरऑल स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं भाई, इस बार तो बहुत अच्छा गया स्कूल, 33 नए बच्चों ने एडमिशन लिया इस सेशन में, तो आप ये नहीं बता रहे 15 छोड़ के भी तो गए, तो आप ये बताओ 48 बच्चों ने नया एडमिशन लिया और 15 पुराने छोड़ के गए, तो ओवरऑल अगर आप देखो इंक्रीज कितना हो रहा है 33 का ओवरऑल। तो ये बोलना सही नहीं होगा कि 33 बच्चे ओवरऑल नया है, आप बोलेंगे 48 नया है और 15 छोड़ के गए, तो ओवरऑल नेट डिफरेंस क्या आ रहा है, 33 का, समझ में आएगा एग्जाम्पल 33। तो ये आ गया बेटा 48। तो ये बताएं जब एसेट बाय करेंगे तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, आउटफ्लो हो जाएगा ना, जब एसेट बाय करेंगे तो एसेट बाय किया तो आउटफ्लो हो गया, और जो बेचा एसेट वो इनफ्लो हो जाएगा। तो बेटा जो एसेट बेचा वो बता रहा था कितने में बेचा, हाँ 6,200 में बेचा था, हाँ जो एसेट बेचा बेटा वो आ जाएगा हमारा इनफ्लो 6,200। कहाँ दिया हुआ, नोट में दिया हुआ था, नोट नंबर 2 में दिया हुआ, जो एसेट बेचा बेटा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। अच्छा इसमें बेटा नॉर्मली यही चीजें आती है, एक चीज और आ सकती है बहुत रेयर है, इन्वेस्टमेंट इनकम, सही है ना, अगर हमने किसी कंपनी में शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट इनकम, सही है। तो ओवरऑल अगर नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, अगर ओवरऑल पॉजिटिव होता है तो क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सही है, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, तीसरी आखिरी चीज क्या है बेटा, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या आता है, जो हमने शेयर्स इशू किए या कोई लोन लिया या लोन रीपे किया,
और डिविडेंड पेड आता है। तो अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या इसने खुद बता दिया कितने शेयर्स इश्यू किए? इसने बता दिया बेटा शेयर्स कितने से बढ़ गए बताओ, $20,000 से। हाँ राफे, और प्रीमियम कितने से बढ़ गया? 5,000। तो ओवरऑल अगर आप देखो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे? 20 का कैपिटल बढ़ा और 5 से प्रीमियम बढ़ा, तो ओवरऑल कितने से हो गया? 25 से। तो पैसे आए होंगे ना, कैपिटल भी बढ़ रहा है, प्रीमियम भी बढ़ रहा, तो ओवरऑल बेटा 25,000 रिसीव होंगे इनफ्लो, सही है ना? 20 के बेटा कैपिटल बढ़ गया और 5 से प्रीमियम बढ़ गया, तो टोटल कितना पैसा आया होगा? एंट्री क्या बनाई होगी? बैंक डेबिट 25 से, कैपिटल क्रेडिट 20 से, और प्रीमियम क्रेडिट कितने से? 5 से। ओवरऑल कितना हो गया बेटा? 25 से बढ़ गया। बेटा बताएं, कोई लोन लिया, 8% लोन बढ़ गया 10,000 से। जब लोन लेंगे तो क्या होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो? जब लोन लेंगे बेटा तो इनफ्लो होगा, और जो डिविडेंड पे करेंगे वो क्या होगा? डिविडेंड पेड दिया हुआ ना जी, डिविडेंड पेड दिया हुआ तो नोट 4 में वो आउटफ्लो जाएगा। सही भाई, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, और क्या बोला मैंने, शेयर इशू हो गया, लोन लिया, लोन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे लिए इनफ्लो हो जाएगा। तो तीसरी चीज आ जाएगी लोन इशूड, तो तीनों को नेट करेंगे तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो बेटा अगर आप देखें, तीन चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। अब तीनों को टोटल करने का टाइम आ गया है, तो ये आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चूंकि पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज कहलाएगा, 28,500 से ओवरऑल हमारा कैश बढ़ गया। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या सवाल में, शुक्रिया, क्या सवाल में इसने हमें बता दिया था पहले से कि बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? देखे, पहली तारीख को बैंक बैलेंस दिया हुआ या नहीं दिया हुआ? ये दिया हुआ, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर आ गया। देखें सेम आंसर आ गया हमारा 28,500, सही है। और कितने से बेटा स्टार्ट था? स्टार्ट में हमारे पास पड़ा हुआ था 38,900, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यही वाला 67,400। तो ये बना ली बेटा हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। बेटा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में देखें क्या कहते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है बेटा, कह रहा है Analyze the changes in the cash position of KPLC during the year 2023. तो हमने बताना है भाई इनकी जो कैश पोजिशन में चेंज आया उसको एनालाइज करना है, 6 मार्क्स दिए। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात होती है एनालाइज करना, अब हमें हर कैटेगरी में देखना पड़ेगा कि भाई ओवरऑल क्या हुआ है, कैश हमारा इनफ्लो हुआ है आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो होना ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब भाई बिजनेस फ्यूचर में अपने जो है वो हमारा बिजनेस एक तरीके से देखा जाए तो हेल्दी है, सही है ना, और हेल्दी कैश जनरेशन हमारा बिजनेस जो है वो कर रहा है, सही है। लेकिन इन्वेस्टिंग में हमारा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसमें जो है ना कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो हम उससे इतना परेशान नहीं होते, क्योंकि ये खर्चा एक बार हो रहा है या बार बार होगा? ये तो एक बार हो रहा है ना, नॉन करंट एसेट रोज रोज थोड़ी खरीदेंगे, तो इसमें कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव होता है ना तो ये परेशानी वाली बात हो, क्योंकि आपका जो मेन बिजनेस है अगर उसी में आप नेगेटिव हो तो फिर फायदा क्या, फिर आप कर क्या रहे हो? अरे बासन, अब अगर मैं टीचर हूं और मैं बोलूं यार के भाई मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन मैंने गाड़ी बेची अपनी, उस पर मैंने 10 लाख कमा लिए, तो आप बोलोगे सर कितनी दफा गाड़ी बेचोगे? एग्जांपल है ना, आप बोलोगे सर कितनी दफा गाड़ी बेचोगे? गाड़ी तो एक दफा, आपका गाड़ियों का काम थोड़ी, आपका तो ट्यूशन का काम है। तो अगर आपके पास बच्चे नहीं आ रहे तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? अरे बासन, हाँ अगर गाड़ी बेच के मुझे थोड़ा लॉस भी हो गया, या मैंने जो है वो बहुत महंगी गाड़ी भी ले ली, इसकी वजह से मेरा नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, तो फिर मुझे परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, या वो एक ही दफा होगी, रोज रोज थोड़ी गाड़ी खरीदूंगा। तो ये बात ऐसी, अगर आप देखो फाइनेंसिंग में ओवरऑल क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में जो है ओवरऑल पॉजिटिव हुआ है, सही है। लेकिन फाइनेंसिंग के पॉजिटिव में इतना वैसे खुशी की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें पैसा कहाँ से आया, या तो हमने लोन लिया है या शेयर होल्डर से और पैसा लिया, तो क्या रोज रोज लोन ले सकेंगे? नहीं, ये तो एक ही दफा लेंगे, सही है। तो ये बात है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो आपने अच्छा कैश जनरेट किया और ओपनिंग भी आपका पॉजिटिव था, तो आपका बिजनेस जो है वो इतना कोई कैश फ्लो के मसाइल लग नहीं रहे, मसाइल ना। तो देखते हैं जरा अब एग्जामिनर ने क्या बातें की। कह रहे केपीएलसी जनरेट पॉजिटिव नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस से पैसा कमाया हमने इनफ्लो, दिस सजेस्ट दैट कंपनी कैन मेंटेन द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब भाई फ्यूचर में हम इस तरीके से काम करते रहेंगे, हमें कोई मसले वाली बात नहीं लग रही। कह रहे भाई फाइनेंस ज्यादा रेस किया है फ्रॉम इशूइंग न्यू शेयर्स या लोन, सही। वो कह रहा है ये पैसा कहाँ से आया, लोन और शेयर इशू करके आया, फर्दर लोन रिजल्टेड इन हायर फाइनेंस चार्जेस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो कह रहा है जितना ज्यादा लोन लोगे तो उतना इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है,
कि भाई जितना लोन ज्यादा लोगे उतना इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टुगेदर विद फर्दर लोन एंड फर्दर इशूइंग शेयर्स इनेबल केपीएलसी टू पे डिविडेंड। कह रहे हैं भाई ये जो ओवरऑल हमारे पास कैश आया है इससे हम इस पोजिशन में हुए हैं कि हम डिविडेंड क्या कर पाए पे कर पाए और इंटरेस्ट भी क्या कर पाए पे कर पाए और नई इन्वेस्टमेंट भी कर पाए बिजनेस में। अपनी हमने ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को क्या किया एनहेंस किया है नई मशीनरी वगैरह खरीद के, सही है। तो ओवरऑल अगर आप देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो लिक्विडिटी पोजिशन बेटा गुड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इस साल ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं हो गया पूरा। अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास एक आखिरी सवाल है। फरवरी माह 2024 का पेपर है, पेपर 32। और बेटा क्वेश्चन है जी लिमिटेड के नाम से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का सवाल है। देखिए अच्छा सवाल है भी। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्ट होम अप्लायंसेस फॉर लोकल सेल। क्या कर रहे हैं भाई, कुछ मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फॉर लो इनकम कस्टमर्स व्हाइल इंपोर्टेड गुड्स आर फॉर हाई इनकम कस्टमर्स। तो बेटा हम जो है वो दोनों कैटेगरीज को दोनों क्लास ऑफ कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, सही है। जो लो इनकम कस्टमर्स हैं उनके लिए हम गुड्स खुद बनाते हैं और जो हमारे हाई इनकम कस्टमर्स है वीआईपी उनके लिए हम इंपोर्टेड गुड्स जो है वो रखते हैं। क्या चीज है इनकी, कौन सी गुड्स हैं? होम अप्लायंसेस, सही है। इन्फॉर्मेशन एट 31 दिसंबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप देखो बेटा ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की, लेकिन यहाँ फिनिश गुड्स दो हैं। हाँ मुश्किल बात ये फिनिश गुड्स दो हैं। तो बेटा अगर आप देखो फिनिश गुड्स दो दी हुई हैं, एक है इंपोर्टेड जो हम क्या कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं परचेस, और एक वो है जो हम खुद बना रहे हैं, जो खुद बना रहे हैं फैक्ट्री में उसकी क्या दी हुई है ट्रांसफर प्राइस। नॉन करंट एसेट्स की बेटा अगर आप देखो हमें एक कॉस्ट दी हुई है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। रेवेन्यू बेटा सेल्स दोनों की अलग अलग दी हुई है, जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रख के बेच रहे हैं उसका रेवेन्यू अलग दिया हुआ है, सही है, और जो अपनी बनाई हुई गुड्स बेच रहे हैं उसका रेवेन्यू अलग दिया। हर चीज का दो दो डेटा दिया हुआ है, देखें कंफ्यूज करने के लिए। परचेज जो कर रहे हैं गुड्स ये वो है जो हम परचेज कर रहे हैं, और ये जो रॉ मटेरियल खरीद के गुड्स बनाते हैं ये वो रॉ मटेरियल। कैरेज इनवर्ड भी दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, एक इंपोर्टेड गुड्स का जो परचेज पे लग रहा है कैरेज इनवर्ड, और एक रॉ मटेरियल खरीदने पे लग रहा है। फिर डायरेक्ट लेबर बेटा, डायरेक्ट लेबर एक दी हुई है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ। यार ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है ये क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या इनडायरेक्ट? क्या कहते हैं? हाँ राफे और जान मोहम्मद, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? यार देखो जब तक वो डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड यूज ना करे या वो रॉयल्टी वर्ड यूज ना करे, एक्सपेंस कौन सा होता है? हमेशा इनडायरेक्ट। जब तक वो डायरेक्ट एक्सपेंस ना बोले या क्या ना बोले, रॉयल्टी ना बोले, कोई भी एक्सपेंस हो ना तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, या डायरेक्ट एक्सपेंस बोल देगा या रॉयल्टी बोल देगा, वरना अगर कोई भी एक्सपेंस बोलेगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही है। ऑफिस एक्सपेंसेस दे रहा है। और आगे देखें भाई फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, फैक्ट्री प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं 20%। तो मुझे बताएं जो फैक्ट्री प्रॉफिट होता है ये क्या होता है, मार्कअप या मार्जिन? फैक्ट्री प्रॉफिट ये मार्कअप होता है, सही है ना। फैक्ट्री क्योंकि फैक्ट्री तो कॉस्ट पे लगाएगी ना मार्कअप। और क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की दी हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस की दी हुई है, फिनिश गुड्स की दोनों की अलग अलग दी हुई है। जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी इन्वेंटरी अलग है, सही है, और जो हम क्या कर रहे हैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी इन्वेंटरी अलग। और डेप्रिसिएशन है बेटा 15%, कौन सा? रिड्यूसिंग बैलेंस। तो बेटा पहली रिक्वायरमेंट क्या है सवाल में, रिक्वायरमेंट देख लें। पहली रिक्वायरमेंट है आपने बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सही। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यार ये 2022 का या 23 का जो था ना उसमें भी इस तरह का एक सवाल आया जिसमें एक स्टैंडर्ड गुड्स थी एक लग्जरी गुड्स थी, सही है ना, मार्च का। तो देखे जरा भाई क्या करना है। सबसे पहले बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में क्या आता है भाई, याद है फॉर्मेट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या आता है भाई, ओपनिंग एड परचेजेस, सही। अब एक एक करके देख लेते हैं बेटा, मैंने यहाँ सॉल्व किया, रॉ मटेरियल की बात हो रही है ना। तो देखिए ओपनिंग कितनी दी हुई है, 46 दी हुई है। एड परचेज किसका चाहिए भाई बताएं, रॉ मटेरियल का ना, मैन्युफैक्चरिंग ये वाला ना रॉ मटेरियल, सही है ना। तो ओपनिंग एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और क्या आता है कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड भी बेटा किसका चाहिए, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, सही है ना, हर चीज रॉ मटेरियल की चाहिए ना। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी किसकी आएगी, रॉ मटेरियल। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है यहाँ पे जी, कहाँ दी हुई है, लिस्ट में या नोट्स में? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा नोट्स में होती है यार, लिस्ट में ओपनिंग होती है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल दिया हुआ 36,200 आगे। तो बेटा हर चीज हमें रॉ मटेरियल की चाहिए, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, सही। इनका ख्याल रखना है टर्मिनोलॉजीज का, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के बाद दूसरी कौन सी चीज आती है, डायरेक्ट
डायरेक्ट लेबर, क्या इस सवाल में डायरेक्ट लेबर वगैरह दी हुई है? डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर बोले एक ही चीज है, या प्रोडक्शन वेजेस बोले या ऑपरेटिव्स बोले, फैक्ट्री ऑपरेटिव्स बात एक ही, तो डायरेक्ट वेजेस दी हुई है वो आ जाएगी। और डायरेक्ट एक्सपेंस या नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस या रॉयल्टी नहीं है, इनको ऐड कर लेंगे। प्राइम कॉस्ट आ जाए, प्राइम कॉस्ट तक क्या आ गए बेटा सारी डायरेक्ट कॉस्ट, फिर क्या आ जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो क्या कहलाती है फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बताए इस सवाल में ओवरहेड्स कौन से दिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया और कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आएगी ना, मशीनरी की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, मशीनरी तो फैक्ट्री की होती है ना, ये नहीं जी, मशीनरी के बेटा 15% लगाएंगे रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग कॉस्ट पे लगाते हैं या एनबीवी पे, पता है रिड्यूसिंग कॉस्ट पे या नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। अगर आप देखो बेटा मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है 2.25 और प्रोविजन भी दिया हुआ है, कॉस्ट में से प्रोविजन माइनस करेंगे तो क्या एनबीवी आ जाएगी, और एनबीवी पे लगा दिया 15%, तो ये बेटा डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, ये इनडायरेक्ट हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका क्या नाम होगा, नाम मालूम अफराद होगा, उसके बाद क्या आ जाता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस, याद है एड ओपनिंग और लेस क्लोजिंग। तो अब आप देखें ओपनिंग का दिया हुआ है, लेस में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है ओपनिंग 21,000 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है 2580। ओपनिंग ज्यादा या क्लोजिंग ज्यादा, क्लोजिंग ज्यादा। तो बताए वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज हो रहा है। अगर इनकम्प्लीट गुड्स इंक्रीज हो रही है तो कंप्लीटेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सही। ऐसे ही अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता तो कंप्लीटेड गुड्स या तो इंक्रीज हो गया, अगर डिक्रीज हो जाता, अगर इनकम्प्लीट गुड्स डिक्रीज हो जाती तो कंप्लीटेड क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती, फिर हम ऐड कर लेते। तो अब ये जो फाइनल आंसर आता है ये क्या कहलाता है, ये तो आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे ही है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो ओ लेवल में तो यहाँ तक पड़ता है, उसके बाद एक और चीज आती है यहाँ पे फैक्ट्री प्रॉफिट, सही है ना, फैक्ट्री वो आगे आएगा, यहाँ पे अनरियलाइज का चक्कर नहीं होता, वो इनकम स्टेटमेंट में आता, सही है ना। तो इस बार बेटा फैक्ट्री कितना प्रॉफिट चार्ज कर रही है, 20%, कुछ ना बोले तो मार्कअप होता है, मार्जिन मार्कअप, तो कॉस्ट पे डायरेक्टली मार्कअप लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है ट्रांसफर वैल्यू, याद है ट्रांसफर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, मार्केट वैल्यू या ट्रांसफर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। भाई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है राफे, फिर तुम घर पे सॉल्व कर लेना राफे, अभी जरा समझ लो फिर कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। और क्या कहता है बेटा ये हमने बना लिया मैन्युफैक्चरर अकाउंट, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ देखो जरा ये थोड़ी मुश्किल बात आ गई यहाँ पे, आसान है, हाँ करने के बाद तो आसानी लगती है। अच्छा क्या कह रहा है बेटा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर ऑफिस एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 289,800। क्या कह रहा है बेटा, प्रॉफिट इसने खुद बता दिया आपको, लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस नहीं हुआ है, सही है ना, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये कह रहा है वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक ऑफिस के एक्सपेंस और ऑफिस की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये जिसने प्रॉफिट बताया ये सिर्फ आउटलेट का है या इसमें फैक्ट्री का प्रॉफिट भी शामिल है, फैक्ट्री का भी प्रॉफिट शामिल होगा और जो आउटलेट है उसका प्रॉफिट भी शामिल होगा, सही है ना। कह रहा है एक स्टेटमेंट बनाए टू कैलकुलेट शोइंग क्लियरली कॉस्ट ऑफ सेल, हाउ मच ऑफ दिस अमाउंट वॉज डेराइव फ्रॉम, आपको बताना है ये जो प्रॉफिट है इसमें से बताना है कि कितना प्रॉफिट इम्पोर्टेड गुड्स को बेचने में हुआ है और कितना प्रॉफिट जो गुड्स हमने फैक्ट्री में बनाई है उनको बेचने से हुआ। तो पहले इंपोर्टेड गुड्स की बात करें, सही। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि हम खुद बनाते ही नहीं है कुछ प्रोडक्ट्स, सही है, सारी क्या करते हैं बाय करते हैं इंपोर्टेड गुड्स, तो हम नॉर्मल एक प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ऐसे जीपी होता है, सबसे पहले रेवेन्यू आएगा किसका, इंपोर्टेड गुड्स का। तो बताओ बेटा इंपोर्टेड गुड्स जो हमने बेची है कितने की बेची यहाँ पे आ रहा है बेटा, रेवेन्यू दिया हुआ है इंपोर्टेड गुड्स का, देखे यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है इंपोर्टेड गुड्स का 378,400 ऐसा। सेल्स के बाद क्या आता है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंटरी किसकी चाहिए भाई, अब इंपोर्टेड गुड्स की, ऐसा ही है ना। तो देखें इंपोर्टेड गुड्स की ओपनिंग दी हुई है, कितनी दी हुई है 1 जनवरी में 36। एड परचेस भी कौन सी चाहिए, इंपोर्टेड गुड्स, तो देखें इंपोर्टेड गुड्स की परचेस दी हुई है, कहाँ दी हुई है, ये दी हुई है परचेस। फिर कैरेज इनवर्ट कौन सा चाहिए राफे, इंपोर्टेड गुड्स का, सही है। तो देखें इंपोर्टेड गुड्स का ये दिया हुआ है कैरेज इनवर्ट, ये हर चीज इंपोर्टेड गुड्स की ले रहे हैं। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं हमारी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, हम सारा माल बाहर से खरीद रहे हैं
और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बेटा किसकी चाहिए, इंपोर्टेड गुड्स की, दी हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें तो वो चक्कर नहीं होता ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला इंपोर्टेड गुड्स में। तो बेटा ओपनिंग एट परचेज एट कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। सही है, इन्होंने इसको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स, बात एक ही है। सही है ना, वैसे इसमें से अभी तक एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, ये है तो एक तरीके का ग्रॉस प्रॉफिट ही, लेकिन इसको नाम दे दिया इन्होंने प्रॉफिट फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, किसके, आउटलेट के, आउटलेट के एक्सपेंस। अब वो कह रहे हैं भाई अब जो प्रॉफिट निकालना है आपने वो किसका निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है वो निकालना। सही है ना, तो अब बेटा यही हमने काम करना है, पहले तो आउटलेट की बात करते हैं। यार अब देखो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बेच के दो लोगों को प्रॉफिट होगा, एक तो आउटलेट को प्रॉफिट होगा जो माल बेचेगा आउटलेट वाला, सही है, और एक फैक्ट्री को प्रॉफिट, सही, एक एप्पल स्टोर वालों को प्रॉफिट हो रहा है एप्पल के फोन्स बेच के, और एक एप्पल की फैक्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है जो उन्होंने प्रॉफिट रखा है किससे, अपने ही आउटलेट से। तो पहले हम बात करते हैं एप्पल स्टोर की, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग एट ट्रांसफर वैल्यू, यहाँ ट्रांसफर वैल्यू आती है ना, और लेस क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी। तो बेटा आ जाते हैं सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू। प्यारे बच्चे अब सेल्स किसकी चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की चाहिए ना। यार मुझे बताइए जो रेवेन्यू दिया हुआ है ये किसका होता है, रेवेन्यू फैक्ट्री का होता है आउटलेट का होता है, रेवेन्यू हमेशा आउटलेट का होता है, रेवेन्यू किसका होता है भाई, आउटलेट। कितना आ रहा है रेवेन्यू, 490। ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा जो चाहिए हमें वो कौन सी चाहिए, कॉस्ट प्राइस या ट्रांसफर प्राइस, बताए भाई राफे, ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सी होती है, कॉस्ट प्राइस या ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस आ रही है भाई, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है ट्रांसफर प्राइस, दी हुई है 36400। फिर ट्रांसफर वैल्यू, ये कहाँ से आएगी बेटा, ट्रांसफर वैल्यू फिनिश गुड्स, ये अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया वहां से आएगी, ये वाली आएगी 427200। बेटा इस बार हमारे पास लोकल माल इतना पड़ा हुआ था, इतना हमने अपनी फैक्ट्री से खरीदा, लोकल गुड्स की बात हो रही है ना, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बच गई वो माइनस करेंगे, क्लोजिंग कॉस्ट लेंगे या ट्रांसफर प्राइस लेंगे, ट्रांसफर प्राइस। तो बेटा ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई यहाँ पे चेक करें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ट्रांसफर प्राइस, और अगर कॉस्ट दी हुई होगी तो फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करके क्या निकालेंगे, ट्रांसफर प्राइस। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट। ये किसका प्रॉफिट आ गया बेटा, ये आउटलेट का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें और भी हमें प्रॉफिट ऐड करना है, किसका, फैक्ट्री का प्रॉफिट। बेटा जो फैक्ट्री का प्रॉफिट होता है वो हमने डायरेक्टली नहीं लेना होता, इसमें अनरियलाइज की एडजस्टमेंट भी होती है। पहले तो देखते हैं इस बार फैक्ट्री ने कितना प्रॉफिट चार्ज किया अपने आउटलेट से, 71200। इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अनरियलाइज प्रॉफिट की, याद है अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, कैसे निकलेगा, ये देखो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 56400 और क्लोजिंग कितनी है 51600। बताओ इन्वेंट्री बढ़ गई या कम हो गई, इन्वेंट्री कम हो गई, इसका मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट भी कम हो गया। सही है ना, अगर अनरियलाइज प्रॉफिट कम हो गया तो रियलाइज प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। सही है ना, तो ये जो डिफरेंस है प्रॉफिट का इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये डिक्रीज हो रहा है बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट, तो इसको हम ऐड करेंगे, अनरियलाइज कम हो रहा है तो रियलाइज बढ़। अच्छा अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग का पहले तो डिफरेंस ले, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इन्वेंट्री की ट्रांसफर प्राइस का डिफरेंस है या ये प्रॉफिट का डिफरेंस है, ये ट्रांसफर प्राइस का डिफरेंस। अब बताएं प्राइस पे क्या लगता है, मार्कअप या मार्जिन, प्राइस पे क्या चीज लगती है, प्राइस पे मार्जिन लगता है, लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है 20% मार्कअप, कुछ ना बोले तो यहाँ मार्कअप अज्यूम करते हैं ना फैक्ट्री का, तो अब मार्कअप अप्लाई करना है या मार्जिन, मार्जिन। मार्कअप को मार्जिन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही, मार्कअप से मार्जिन में जाने का क्या फॉर्मूला होता है, मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्क, 20/120 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल के हमने लगा दिया मार्जिन, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो बेटा इस बार फैक्ट्री ने कितना प्रॉफिट रखा है इस साल, 71200, और जो पहले का माल पड़ा हुआ था वो भी बिक गया, तो वो भी प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, रियलाइज हो गया, हलाल हो गया। तो बेटा इतना प्रॉफिट हमने इस साल चार्ज किया है और इतने से हमारा जो है वो और प्रॉफिट अनरियलाइज कम हो रहा है तो रियलाइज बढ़, या अगर अनरियलाइज बढ़ रहा है तो रियलाइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 22%। तो बताएं ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया ना, तो ये 72 बेटा फैक्ट्री ने प्रॉफिट कमा लिया और इतना आउटलेट ने कमा लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसका आ गया बेटा, ये आ गया प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अच्छा नॉर्मली तो ये होता है सिर्फ ये होता है, हाँ नॉर्मली तो सिर्फ ये होता है, लेकिन यहाँ एक एडिशनल चीज आ गई, इम्पोर्टेड गुड्स का प्रॉफिट अलग है। सही है, और जो हम लोकल गुड्स फैक्ट्री में बना के आउटलेट में बेच रहे हैं उसका प्रॉफिट अलग। सही है ना, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट। भाई देखो ना इसकी ऐसे मिसाल है कि एप्पल स्टोर जो है वो एक तो एप्पल का अपना माल बेच रहा है, फिर एप्पल स्टोर ने कुछ एंड्रॉइड का सैमसंग के भी माल रखा हुआ है, चार्जर वार्जर।
सही है ना कि भाई कस्टमर आ जाते हैं तो उनको बजाय इसके कि मैं सैमसंग के स्टोर पे भेजूं, फिर वो वहां से S24 Ultra देखें और वो फिर आईफोन लेना छोड़ दें, इसलिए उन्होंने बोला भाई सैमसंग के चार्जर भी खुद ही रख लो, उनको एप्पल स्टोर पे भेजो ही नहीं। सही है ना, तो एक तो सैमसंग के चार्जर बेच के प्रॉफिट कमा रहे वही है, सही है, और एक एप्पल की प्रोडक्ट्स बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं। सही है, अब एक काम करो इन दोनों को जरा ऐड करो, 151,800 ये प्रॉफिट किसका है, इंपोर्टेड गुड्स बेच के, और ये प्रॉफिट किसका है अपनी, दोनों को ऐड करें, देखें कितना आ रहा है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इन्होंने पहले ही बता दिया था, चेक करें, ये एक इंपोर्टेड गुड्स का प्रॉफिट और एक अपनी लोकल गुड्स बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है, दोनों प्रॉफिट्स को ऐड करें। ये देखें पहले ही दिया हुआ है 298,800 289,800 ये दिया हुआ है, देखें ये इससे वेरीफाई हो गया कि भाई हमने जो है ना वो सही सॉल्व किया। ऐसे कैसे लिख दें, अच्छा ये आ गई बात, अच्छा आगे क्या कह रहे हैं बेटा, ये तो आ गया दोनों का प्रॉफिट, अब वो कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में और क्या चीज आएंगी इनके अलावा, एक्सपेंसेस भी तो आएंगे आउटलेट के जो एक्सपेंसेस, तो बेटा ये दोनों प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, जो इंपोर्टेड माल बेचने से प्रॉफिट हुआ है वो, सही ये भी एक तरीके का ग्रॉस प्रॉफिट ही है, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेच के प्रॉफिट हुआ है वो पहले दोनों को ऐड करेंगे, और फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। नॉन प्रोडक्शन बेटा यहाँ पे कुछ दिए हुए एक्सपेंसेस बताओ कौन कौन से बेटा, नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस देख रहे हैं, एक ऑफिस एक्सपेंस दिए हुए 2,04,000, और क्या चीज है बेटा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन आएगी ऑफिस की या नहीं आएगी, आएगी ना ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन 15% रिड्यूसिंग, किस पे लगाएंगे, कॉस्ट पे, एनबीवी पे, एनबी कॉस्ट कितनी है चेक करें, 1,24, और प्रोविजन कितना दिया है बेटा 74, कॉस्ट में से प्रोविजन माइनस करेंगे तो क्या नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, हाँ कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे एनबीवी आ जाएगी, उस पर 15% लगाएंगे, तो बेटा एक फैक्ट्री का प्रॉफिट आ गया, एक आउटलेट का प्रॉफिट आ गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा या नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, तो ये हमने क्या कर लिया बेटा, ये हमने ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो निकाल लिया, इनकम स्टेटमेंट हमने निकाल दी, जी हाँ। और लास्ट रिक्वायरमेंट है बेटा पार्ट डी, क्या कहता है लास्ट डी में, पार्ट डी में देखें क्या रिक्वायरमेंट, पार्ट डी में बेटा कोई थियोरेटिकल रिक्वायरमेंट है, लास्ट नहीं है फिर भी देख लेते हैं, कह रहे डायरेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 23 कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट टू 25%। अभी मार्कअप कितना चार्ज कर रहे हैं 20, और ये कह रहा है यार मार्कअप बढ़ाओ, सही है 20 से कितना कर दो, मार्कअप बढ़ा देगा तो उसकी जो फैक्ट्री का जो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब देखें जरा समझे क्या कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ाना है, ओवरऑल प्रॉफिट, सिर्फ फैक्ट्री का प्रॉफिट नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ाना है, वो कह रहा है जो हम अपने आउटलेट से प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं उसको बढ़ा दें, एक्सप्लेन करें इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट टू 25%। तो भाई पहले तो आप ये बताएं सिंपल वर्ड्स में कि ओवरऑल प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताएं भाई ओवरऑल प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही ना, उसकी वजह यह बेटा कि जैसे मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ, सही ना, पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आप दो भाई हैं, एक भाई क्या कर रहा है भाई गाड़ियां इंपोर्ट कर रहा है जापान से और दूसरे भाई को बेच रहा है, ए जो है वो गाड़ियां इंपोर्ट करके बी को बेच रहा है और बी वो गाड़ियां अपने शोरूम पे आगे बेच रहा है कस्टमर, सही है, अब लेट सपोज भाई ए भाई जो है वो गाड़ी इंपोर्ट करता है उसको पड़ती है 50,00,000 की और वो बी को बेचता है अपने ही भाई को 55,00,000 रुपए की, तो 5,00,000 का उसने प्रॉफिट कमाया ए ने, अब वो जो 55,00,000 वाली गाड़ी है वो आगे ये बेचता है 62,00,000 में, कस्टमर को कितने की बेचता है 62, सही है ना, अब हुआ ये बेटा 50 की गाड़ी ओवरऑल कितने की बिकती है 62 में, तो ओवरऑल जो घर में प्रॉफिट आता है वो 12,00,000 का, भाई वालेकुम अस्सलाम, भाई ए जो है वो प्रॉफिट कमाता है 5,00,000 और भाई बी जो प्रॉफिट कमाता है वो है 7,00,000, ओवरऑल एक गाड़ी पे कितना प्रॉफिट बचता है भाई ओवरऑल ग्रुप को कंपनी को पेरेंट को फादर को, सही है पेरेंट कंपनी को 12,00,000। अब भाई ए ने बोला एक काम करूंगा अब मैं जो है ना वो गाड़ी आपको 55 में नहीं दूंगा मैं आपको दूंगा 58 की दूंगा, कितने की दूंगा 50, और ये गाड़ी आगे तो अभी भी 62 की बिकेगी उससे ज्यादा की नहीं बिकी, तो आपने 50 वाली गाड़ी पहले 55 की बेच रहे थे 58 की बेची, आपने कितना प्रॉफिट रखा 50 वाली गाड़ी 58 में बेच के 8,00,000 का प्रॉफिट, 50 की जगह 58, अब ये 58 वाली गाड़ी 62 से ऊपर बेच नहीं सकता क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम प्राइस है, तो अब इसका प्रॉफिट कम हो गया 4,00,000, समझ रहे हैं, पहले आपने कमाया था कितना प्रॉफिट 5 और ये कमा रहा था 7, 5 + 7 = 12, अब आपने कमा लिया कितना 8 और ये कमा रहा है 4, ओवरऑल प्रॉफिट अभी भी कितना है 12, क्योंकि 50 की गाड़ी ओवरऑल जो बिक रही है वो तो 62 में ही बिक रही है,
अब आप आपस में जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रखो, सही है, लेट्स अज्यूम करते हैं कि भाई फैक्ट्री वाले ने बोला यार तू मेरा भाई है, सही है, अब मैं तेरे से क्या प्रॉफिट कमाऊं, मैं बाहर वालों से कमाऊंगा, मैं 50 की गाड़ी इंपोर्ट करके तुझे 50 की दे देता हूँ, सारा प्रॉफिट तू कमा ले, सही, क्योंकि प्रॉफिट तो घर में ही आना है। तो अब तुमने 50 की तुम्हें पड़ी, तुम आगे 62 में बेचो, पूरे 12 लाख प्रॉफिट तुम्हें मिल गया। या ये भी हो सकता है भाई, ये कह रहा है भाई 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 गया तेल लेने, मैं तो अब ये गाड़ी पता लग गया मुझे 62 की तुम बेचते हो, मैं तुम्हें 62 की दूंगा, सही, और तुम आगे भाई नॉट फॉर प्रॉफिट खोल के बैठ जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा तो आगे कोई 62 से ऊपर खरीदेगा ही नहीं, तो तुम अगर 62 की गाड़ी 62 में ही बेचोगे तुम्हें 0 प्रॉफिट होगा, पूरा 12 उसने कमा लिया। तो अब आपस में अगर खेलेंगे ना तो फिर ओवरऑल फायदा कुछ भी नहीं हो। एक की अगर आप अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाओगे ना तो आपका प्रॉफिट इसके लिए क्या है, कॉस्ट, आपके लिए जो प्रॉफिट है सोचो वो उसके लिए क्या है, परचेस कॉस्ट है ना, तो आप जितना प्रॉफिट ज्यादा रखोगे आपकी इनकम है उसके लिए क्या है वो कॉस्ट। तो ओवरऑल अगर आप देखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गेम समझ में आ गई। अब देखते हैं एग्जामिनर ने क्या कमेंट, कह रहा है बेटा प्रॉफिट, हाँ ये हो सकता है कि फैक्ट्री का प्रॉफिट तो बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 20-25% जब मार्कअप रखेगा तो फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा मुझे बताएं अगर फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा तो यहाँ क्या चेंज आएगा बताएं, अगर हम ये 20 के बजाय 25% चार्ज करें तो फैक्ट्री प्रॉफिट बढ़ जाएगा नहीं, फैक्ट्री प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या ट्रांसफर वैल्यू भी बढ़ जाएगी या नहीं, बढ़ जाएगी ना, जब फैक्ट्री बेटा 20-25% चार्ज करेगी तो फैक्ट्री प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ट्रांसफर वैल्यू भी बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, ट्रांसफर वैल्यू बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी या नहीं, जब आप उसको महंगा बेचोगे तो आपके लिए तो वो इनकम हो गई लेकिन इसके लिए तो कॉस्ट है ना आपके भाई के लिए, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो जीपी क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, सही, जीपी तो कम होगा लेकिन होगा ये कि जब आपने प्रॉफिट ज्यादा रखा था तो यहाँ फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो प्रॉफिट कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब आपकी ट्रांसफर वैल्यू बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो जीपी कम होगा, इस तरफ ट्रेडिंग से जो जीपी हो रहा है वो कम होगा लेकिन इस तरफ फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया, नेट इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, सेम। तो अब हमें बताना है भाई क्या चीज बढ़ेगी और क्या चीज कम होगी और ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक एक करके देख लेते। प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपेंसेस आर अनअफेक्टेड बाय द चेंज, कह रहे भाई ओवरऑल अगर हम देखें प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, सही है, एंड एक्सपेंसेस दोनों को मिला के अगर आप देखें तो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। क्या लिखा बेटा, द ट्रांसफर प्राइस विल इंक्रीज, ट्रांसफर प्राइस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आप तो महंगा बेच रहे ना अपने भाई को, अपने ही आउटलेट को महंगा बेच रहे, ट्रांसफर प्राइस बढ़ेगी। फैक्ट्री प्रॉफिट वो भी बढ़ेगा, आप ज्यादा अमाउंट रख रहे हैं, सही है, इक्वल अमाउंट। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री विल बी इंक्रीज, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि महंगा बेच रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल ऑल्सो इंक्रीज, पीयूपी भी बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा भाई, पीयूपी बता सकते हैं यार, वो प्रोविजन का याद है ना, टी अकाउंट, प्रोविजन को ओपनिंग क्रेडिट पे आता है क्लोजिंग डेबिट पे, क्यों, पिछले साल प्रॉफिट का रेट कम था और इस बार प्रॉफिट का रेट बढ़ गया, तो ओवरऑल अगर आप देखें इंक्रीज हो गया ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कह रहे दीज चेंजेस कंपेंसेट फॉर वन अनदर, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, and there is no impact on profit for the year for 2023, overall beta aapke profit pe koi effect nahi padta, isiliye bhai aksar wo ek requirement bhi puchta hai ye batao ki factory ko profit charge karna chahiye apne outlet se ya nahi karna chahiye, iske ye negative point mein likhta hai ki yaar profit charge kare factory apne outlet se ya na kare overall profit pe koi effect nahi, sahi hai na। लास्ट रिक्वायरमेंट बेटा देख ले, पार्ट ई, पेपर खत्म हो गया, पार्ट ई में क्या कह रहा है, जी लिमिटेड एक्सपीरियंसिंग सीरियस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है इसकी वजह से इंपोर्टेड गुड्स हमारी महंगी आ गई, एंड एज इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, जी लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, इंपोर्टेड गुड्स महंगी आ रही है तो आगे भी महंगा बेच रहा है, हाई इनकम कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट दीज इंक्रीज प्राइस, इतनी महंगाई बढ़ गई कि भाई अमीर लोग भी परेशान हो गए, यहाँ पे भी यही हो रहा है ना यार, बोला हम इतना कमाते हैं हमें भी पूरा नहीं हो रहा, सही, तो ये सिलसिला हो गया। डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग मैन्युफैक्चरिंग होम अप्लायंसेस फॉर दीज कस्टमर्स टू कीप द प्राइसेस लो एंड मेंटेन देयर प्रॉफिट, तो डायरेक्टर साहब क्या कह रहे हैं भाई, डायरेक्टर कह रहे हैं भाई ये जो इम्पोर्टेड होम अप्लायंसेस हैं वो भी क्या करें, इम्पोर्ट ना करें बल्कि क्या करें, बोला वो भी खुद ही बनो, सही, बाढ़ में जाए इम्पोर्ट, बोला इम्पोर्ट बंद करो और सारी गुड्स क्या करो खुद बनाओ, लोकल बनाओ, कह रहे भाई तो इससे क्या होगा, प्राइसेस भी हम लो रख पाएंगे और प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएंगे,
एडवाइस देना है भाई कि हम ऐसा करें या ना करें, और जो हाई इनकम कस्टमर्स के लिए हम इम्पोर्टेड गुड्स बेच रहे हैं, कह रहे हैं वो भी क्या हम खुद बनाना शुरू कर दें या ना करें ताकि प्रॉफिट हमारा गिरे ना। तो बेटा हमने एडवाइस देनी है, तो आप बता सकते हैं बेटा फोर में कि क्यों हमें सारी गुड्स खुद बनानी चाहिए, हमें रिलाई नहीं करना चाहिए इम्पोर्टेड के ऊपर, बताएं। तो ये कह रहे हैं भाई देखें अभी यहाँ वैसे लीड टाइम का तो मसला नहीं है, जो इशू है वो ये है कि कॉस्ट बढ़ रही है, ये नहीं है कि भाई माल मंगवाने में टाइम लगता है, आ तो फौरन जाता है माल लेकिन महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे वो देखें कॉस्ट को समझे, वो ये कॉस्ट नहीं है कि भाई डिले आ रहा है इम्पोर्टेड गुड्स, टाइम लगती है इसलिए वो कह रहे हैं खुद बना लेते हैं ताकि जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई ये बताओ कि प्रॉफिट गिर रहा है क्योंकि हम प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, हमें आगे से डॉलर शायद महंगा होने की वजह से महंगी मिल रही है, लेकिन कस्टमर कह रहा है आप क्या करो उसी प्राइस में बेचो। तो बताएं भाई अगर हम गुड्स बेटा खुद बनाए तो फायदा क्या होगा, जैसे इन्होंने एक बताया है लेकिन मेरे ख्याल से इसका पता नहीं क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा कि हमें जो है ना ये गुड्स जल्दी मिल जाएंगी अगर हम खुद बनाएंगे तो। सही है, फिर ये हम बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि हम उसको जी क्या करें सप्लाई को मेंटेन कर पाए खुद बनाएंगे तो जी कंट्रोल हमारे हाथ में होगा जिससे हम खरीद रहे हैं। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी क्योंकि सप्लायर जो प्रॉफिट रख रहा है अब वो प्रॉफिट भी हमें मिल जाएगा, नहीं वो प्रॉफिट भी हमें मिल जाएगा। और बताएं भाई क्या फायदे होंगे गुड्स खुद बनाने के। सही है, हो सकता है भाई कस्टमर हमारा जो है वो अच्छा ज्यादा तो ड्रॉबैक ही लग रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स की अगर एक आदत लगी हुई है कस्टमर को तो हो सकता है कि वो लोकल बनी हुई गुड्स ना ले। फिर ये हाई इनकम कस्टमर्स हैं इनमें फिर ये स्टेटस वगैरह का भी बड़ा मसला होता है। सही, अब ये तो पैसे अभी तो खर्च नहीं करना चाह रहे, जब इनको बोलेंगे लोकल खरीद लो बोलेंगे यार लोकल तो हमारा पड़ोसी भी लेता है, हम पता कैसे चलेगा हम बड़े स्टेट हैं, सही स्टेट खिला रहा है आपको क्या तकलीफ है। सही, तो बोलेगा भाई हमें नहीं चाहिए ये लोकल माल। तो देखते बेटा इन्होंने क्या पॉइंट लिखे, जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करे होम अप्लायंसेज फॉर बोथ द हाई इनकम एंड लो इनकम कस्टमर्स विल बिकम अ होली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इन्होंने पहले एग्जाम्पल दिया, कह रहे अभी हम बीच में कुछ माल क्या कर रहे हैं खुद बना रहे हैं और कुछ इंपोर्ट पे रिलाय कर रहे हैं, कह रहे अगर हम सब खुद बनाएंगे तो हम होली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बन जाएंगे, पूरी सप्लाई हमारे कंट्रोल में रहेगी। सही ना, कंट्रोल थोड़ा सा हमारा बढ़ जाए। सैनर्जी कैन इंप्रूव द प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। सैनर्जी समझते हैं, इसका मतलब कह रहे हैं भाई आधी गुड्स हम खुद बना रहे हैं आधी हम बाहर से खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर सारी गुड्स हम क्या बनाना शुरू कर दें खुद बनाना शुरू कर दें, यार वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी एक वो गुड्स तो बना ही रहे लो इनकम कस्टमर्स के लिए, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, हम नए नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम भाई अगर हाई इनकम के लिए भी बनाना शुरू कर दें तो फिर हम कर सकते हैं। भाई जैसे इसकी ऐसी मिसाल है कि अब सुजुकी वाले जो है वो या टोयोटा वाले जो है कुछ गाड़ियां यहाँ खुद बना रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कुछ जो हाई इनकम कस्टमर्स हैं उनके लिए गाड़ियां इम्पोर्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, तो भाई कुछ इम्पोर्टेड वेरियंट्स हैं। सही है, जैसे कैमरी वगैरह वो हम खुद नहीं बना रहे वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये बोल रहे हैं यार जब हम सस्ती गाड़ी खुद बना सकते हैं, सही है कोरोला हो गई या दूसरी हो गई यारिस वगैरह हो गई, तो बोला है फिर हाई एंड गाड़ियां फिर हम खुद बनाए यही बनाए। सही है ना, तो हम इंपोर्ट क्यों करें, तो ये बात, तो कह रहे हैं आपके पास एक्सपर्टीज तो है तो फिर आप यही बना लो। सही, लैंड क्रूजर वगैरह भी वो कह रहे हैं हम खुद ही बनाते क्यों इम्पोर्टेड करें, 15 करोड़ रुपए की क्यों हम महंगी इतनी क्यों बेचे, अगर खुद बनाएंगे तो सस्ती पड़ेगी। सही, और क्या बोला बेटा, प्राइस लो कर पाएंगे। कह रहे एक्सपीरियंस है और मैन्युफैक्चरिंग होम अप्लायंसेस एंड विल नॉट इनकर स्टार्टअप कॉस्ट। कह रहा बेटा हम कोई ऐसी चीज तो बना नहीं रहे जो हमने पहले से बनाई नहीं थी। हाँ अगर वो कहता आप पहले माइक्रोवेव बना रहे हैं और अब आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो हम बोलेंगे यार ये बिल्कुल एक अलग स्टोरी है, तो आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है मोबाइल बनाने की तो आप नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर हम ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल जो है वो 10-15 हज़ार वाला फोन बना रहे हैं तो क्यों ना हम 50 हज़ार वाले फोन भी खुद बना लें, क्योंकि बना तो फोन ही रहे, तो ये बात है। तो कह रहे हैं हमें कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि हमारा ऑलरेडी यही बिजनेस है, हम अपनी लाइन को स्विच नहीं कर। हाई इनकम कस्टमर्स वो कह रहे हैं बाय कर लेंगे, क्यों बाय कर लेंगे भाई, ये प्रो में पॉइंट लिखा है एंड दिस विल मेंटेन। अगर वो कह रहे हैं बाय कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा जो अभी हमारा प्रॉफिट गिर रहा है। कह रहे हैं क्वालिटी को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम इम्पोर्टेड गुड्स मंगवाते हैं तो हो सकता है कभी क्वालिटी बहुत अच्छी हो कभी क्वालिटी बहुत खराब हो, लेकिन जब एक चीज हम खुद बनाएंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी खराब ना हो, और अगर खराब होगी तो फिर वो कस्टमर को हम प्रोडक्ट देंगे ही नहीं, उसको हम क्या करेंगे रीवर्क करेंगे या फिर। सही है, और अगेंस्ट पॉइंट ज्यादा है, अगेंस्ट पॉइंट क्या होगा भाई,
एक तो फिर ब्रांड इमेज का मसला होगा, हाई इनकम कस्टमर्स हैं, सही है, तो वो हो सकता है वो बाय ना करें। फिर क्वालिटी का इसमें भी पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है इम्पोर्टेड की हो सकता है क्वालिटी बेहतर हो, अभी जरूरी नहीं है। हमारा तो एक इमेज ये बना हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी अपना अल्लाह माफ करे स्टैंडर्ड इतना खराब है कि हम जो चीज जो है ना बाहर से खरीदते हैं तो हम समझते हैं यार वही बेहतर होगी इम्पोर्टेड, लेकिन जरूरी नहीं है। कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि अगर आप यूएस में बैठे हो और यूएस में आप बैठ के बोलो यार लोकल गुड बेहतर है मेड इन यूएस से या मेड इन चाइना बेहतर है, आप बोलोगे लोकल बेहतर है, सही है ना। तो अब आप इम्पोर्ट करते हुए सोचोगे कि यार चाइना वो क्वालिटी दे पाएगा, सही, या अगर आप यूके में बैठे हुए तो आप ये सोचेंगे यार बांग्लादेश वो क्वालिटी हमें दे पाएगा जो हम खुद बना रहे हैं, सही। तो ये हमें देखना है कि यार मेड इन यूके बेहतर है मेड इन, तो ये आप पॉइंट देख सकते हैं। एडिशनल कैपिटल बेटा चाहिए होगा सेटअप करने में, सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस मशीन पे आप जो है वो लो इनकम कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट तो नॉर्मली उसी मशीन पे तो नहीं मिलेगी आपको, तो कोई ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल करनी ही पड़ेगी। और क्या लिखा बेटा, जी लिमिटेड जो है उसको लोन लेना पड़े हो सकता है, और जब लोन लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आखिरी बात, जी लिमिटेड को एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी टू अट्रैक्ट हाई इनकम कस्टमर्स, क्योंकि बेटा अभी तो देखो सबको पता है कि हम कोई ब्रांड बेच रहे हैं तो बंदा फॉरन ब्रांड के नाम पे हमसे ले लेता है, लेकिन हम बोले हमारा अपना प्रोडक्ट है, सही ना। आईफोन बेचना तो हर बंदा बेच सकता है क्योंकि एप्पल का नाम है, अगर आप बोले भाई हम एप्पल नहीं है हमारा फोन ऑरेंज है, सही है ना, हमारा फोन है ऑरेंज, सही है, ऑरेंज 15 प्रो मैक्स, तो भाई बंदा बोलेगा यार एप्पल तो सुना है ये ऑरेंज क्या है, बोले हमारा अपना ब्रांड है, तो उसके लिए आपको हैवी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, और वो भी उनको अट्रैक्ट करना है जो हाई इनकम कस्टमर्स हैं, स्टेटस वाले जो लोग हैं। न्यू स्किल्ड वर्कर्स बेटा हायर करने पड़ेंगे या एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, सही है। और फाइनली भाई डिसीशन कि भाई क्या किया जाए कि हम ये काम करें या ना करें।